हाँ जी दोस्तों कैसे हो आप लोग आज किस लिए आज हम करेंगे रिवीजन टेस्ट पेपर आरटीपी न्यू सिलेबस का जो कि मई 2020 के लिए आया हुआ है इंस्टीट्यूट ने डाला हुआ है सर रिवीजन टेस्ट पेपर में कुछ भी नए क्वेश्चंस है क्या एक भी नया क्वेश्चंस नहीं है सब की सब स्टडी मैट से सॉरी प्रैक्टिस मैनुअल से उठाया गया है प्रैक्टिस मैनुअल कहाँ का ओल्ड सिलेबस का प्रैक्टिस मैनुअल तो जो बच्चे जो बच्चे मुझसे क्लास परचेस ऑलरेडी कर चुके हैं चाहे अभी परचेस किया होगा चाहे एक साल पहले परचेस किया होगा उन लोगों को इस रिवीजन टेस्ट पेपर या इस लेक्चर की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उनके क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर हो चुके हैं और फिर भी अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो ये वीडियो देख सकते हो और जो बच्चों ने मुझसे क्लास नहीं किया उनको अपने टीचर ने या प्रैक्टिस मैनुअल से किया है उन्होंने भी ऑलरेडी ये क्वेश्चन कवर कर चुके हैं पर फिर भी एक बार रिवीजन हो जाए उस हिसाब से मैं करवा रहा हूं पूरी तरह से कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं हो सकते क्योंकि कॉन्सेप्ट्स में टाइम लगेगा तो मैं ये मान के चला चल रहा हूं कि आपका ऑलरेडी एक बार एस हो चुका है बस ये हम लोग कर रिविजन करने जा रहे हैं तो अभी जो रिविजन टेस्ट पेपर है वो न्यू सिलेबस के लिए अगले वीडियो में रिवीजन टेस्ट पेपर किसके लिए हो जाएगा ओल्ड सिलेबस के लिए ठीक है तो अगर आपके पास आरटीपी रखी हुई है तो प्लीज या तो नेट से डाउनलोड कर लीजिए हम लोग आर करने जा रहे हैं उसमें पहला क्वेश्चन उठा रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर जो डाला गया है वो सिक्योरिटी एनालिसिस का क्वेश्चन डाला गया है सर क्वेश्चन क्या है प्रैक्टिस मैनुअल गई है एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस का क्वेश्चन है लिखा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर वैल्यू ऑफ शेयर निकालना वैल्यू ऑफ शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक तो दिया आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दो नब्बे करोड़ दो सौ नब्बे करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है मांग क्या रहा सर जी वैल्यू ऑफ शेयर वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब पी जीरो मांग रहा पी जीरो निकालना है हमको ठीक है सर सर ये फॉर्मूला क्या है याद करो आपने P0 निकालने का फॉर्मूला एक पड़ा था D1 डिवाइडेड बाय Ke माइनस जी वैसे ही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं लेकिन यहां जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी सर ये क्या चक्कर है मैं समझाऊंगा वन बाय वन खैर अभी कह दिया आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इक्विटी कैपिटल दे रखा थर्टीन हंड्रेड करोड़ इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है तेरह करोड़ ठीक है और पार वैल्यू ऑफ शेयर दिया है चालीस तेरह सौ करोड़ रुपए का शेयर कैपिटल है एक शेयर का पार वैल्यू है चालीस तो क्या नंबर ऑफ शेयर्स निकल सकते थर्टी टू पॉइंट फाइव करोड़ थर्टी टू पॉइंट फाइव करोड यहां तक ठीक है आगे क्या लिखा हुआ है डेट रेशियो लिखा है डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी ट्वेंटी सेवन परसेंट ठीक है सर इसका क्या यूज है हाँ ये मैं आपको समझाऊंगा इसका यूज क्या होने वाला है आगे क्या लिखा हुआ ग्रोथ रेट नो no डाउट ग्रोथ रेट हमको लगने वाला ग्रोथ रेट आठ परसेंट दिया बीटा दिया, बीटा दिया और रिस्क फ्री रेट दे रखा है ठीक इसके बाद मार्केट टेन पॉइंट थ्री परसेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शेयर दिया डेप्रिशिएशन पर शेयर दिया एंड चेंज इन वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है अब सवाल यह है सर हमको निकालना क्या है हमको निकालना वैल्यू ऑफ पर शेयर जीरो पी जीरो जी के लिए तीन रिक्वायरमेंट है डीवन केई जी सर केई कैसे निकालेंगे बेटे निकालने के इंफॉर्मेशन दिया आर एफ दिया आर एम दिया है तो सीएपीएम लगा के हम के ओके सर सर जी का मतलब ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट भी दिया हुआ है आठ परसेंट सर ये ऊपर वाला क्या डी वन ये डी वन तो नहीं है कुछ और चीज है वो मैं आपको निकालना सिखाऊंगा सुनना ध्यान से बिल्कुल ध्यान से सर ये फॉर्मूला क्या यूज है बेटे वो बाद में समझेंगे फॉर्मूले पे अभी हम नहीं जा रहे अभी हमें कुछ चीजें समझनी अच्छे से बिल्कुल ध्यान से समझना मेरी बात को क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मालूम है यस अगर मैं यहां लिखू आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया दो नब्बे करोड़ ये दिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दो सौ नब्बे करोड़ से ठीक है जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब समझा सकते हो क्या सर इसका बेटे है ही नहीं है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात ही मत करो मुझे बस इतना बताओ क्या ये सारा की सारा पैसा आप इक्विटी शेयर होल्डर को बांट सकते हो हाँ सर कुछ नहीं बोला तो हम ये मानेंगे कि सारा की सारा पैसा बांटा जाएगा यस लेकिन समझने की कोशिश करना चेक तो करो कि कुछ इन्वेस्टमेंट तो नहीं है अगर कुछ इन्वेस्टमेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो भाई पहले उतना पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए और जो पैसा बचेगा आप इक्विटी शेयर होल्डर को दे देना कोई दिक्कत की बात नहीं है चेक कीजिए क्या कोई इन्वेस्टमेंट करना है यस कैपिटल एक्सपेंडिचर है फोर्टी सेवन एक बार हमें यह देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट कितना है जरा सोचते बिल्कुल ध्यान से मेथि में दीदी एक तो है कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना एक शेयर पर फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थर्टी टू पॉइंट फाइव मेरे अब मैं अपने तरीके से करवा रहा हूँ फॉर्मूला में डिस्कस कर दूंगा हाँ सर तो टोटल कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर फोर्टी सेवन इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने ऑलरेडी तो और सर चेंज इन वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल में भी तो पैसा लगाना पड़ेगा चेक करो वर्किंग कैपिटल तीन रुपए पैतालीस पैसे पॉइंट फोर फाइव इन कितना थर्टी टू पॉइंट फाइव तो ये आ गया बेटे वन वन टू पॉइंट वन टू फाइव इतना पैसा किसमें लग रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना पैसा किसमें लग रहा है वर्किंग कैपिटल लेकिन सुनो क्या आप इसमें डेप्रिशिएशन माइनस कर चुके हैं हां सर पर डेप्रिशिएशन तो पैसा कहीं जाता ही नहीं है तो वो पैसा आपका बच गया ना मैं आपसे बोल रहा हूं इतने की जरूरत है लेकिन डेप्रिशिएशन आपने जो माइनस किया वो तो कहीं जाने वाला नहीं है तो क्या डेप्रिशिएशन मैंने कहा इतने पैसे लगने वाले हैं पर डेप्रिशिएशन वाला पहले ही तो हमारे पास रखा हुआ है डेप्रिशिएशन कितना रुपए डेप्रिशिएशन पर शेयर थर्टी नाइन तो थर्टी नाइन इंटू थर्टी टू पॉइंट फाइव तो ये कितना आ गया वन टू सिक्स सेवन पॉइंट फाइव जीरो तो चेक करो नेट कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है वन फाइव टू सेवन पॉइंट फाइव प्लस वन वन टू पॉइंट वन टू फाइव माइनस वन टू सिक्स सेवन पॉइंट फाइव जीरो तो हमको लगने वाला है थ्री सेवनटी टू पॉइंट वन टू फाइव करो तो सर ऐसा है मैं इक्विटी शेयर होल्डर से बोल रहा हूं सर ऐसा है कि ठीक है प्रॉफिट कमाया है लेकिन हमको इन्वेस्टमेंट भी तो करना है और हम लोगों बेटे नेट इन्वेस्टमेंट आपने कॉर्पोरेट वैल्यूएशन करके चैप्टर पढ़ा होगा फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म फॉर इक्विटी उसमें ही आपको अच्छे से समझाया होगा आपके टीचर ने सारा डिस्कशन में नहीं कर सकता रिविजन टेस्ट में ठीक है तो इतना पैसा लगने वाला है सर थ्री सेवेंटी टू तो इक्विटी शेयर होल्डर से हम बोलेंगे कि भाई एक काम करो हम आपको प्रॉफिट है पर आपको दे नहीं सकते हमको एक्सपेंडिचर करना है उसके लिए हमको इतना पैसा लग रहा दिस इज नेट इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट अब इक्विटी शेयर होल्डर ये बोलेंगे सर सारा पैसा हमसे ही लोगे क्या आपकी कंपनी की पॉलिसी क्या है आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हो क्या पूरा की पूरा इक्विटी शेयर होल्डर का ही पैसा अरेंज करते हो कि डेट वाले से भी लेते हो मैंने कहा हाँ ये हमको तो पता तो लगना चाहिए और चेक कीजिए लिखा है डेट रेशियो कितना परसेंट ट्वेंटी सेवन परसेंट इसका मतलब समझाओ इसका मतलब ही चाहिए मुझे इसका मतलब यह है कि जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो इसका सत्ताईस परसेंट ट्वेंटी सेवन परसेंट अरेंजमेंट कहा से होगा डेट से तो जितना चाहिए ट्वेंटी सेवन परसेंट तो डेट वाले ले तो हमारा कितना पैसा लगेगा इक्विटी वाल हंड्रेड माइनस ट्वेंटी सेवन सेवेंटी थ्री परसेंट हमसे उठाइए ना फिर देखते हैं कितना इट मीन 372 पूरा की पूरा इक्विटी वाला नहीं लगाएगा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा डेट से होगा 27 परसेंट तो इक्विटी वाले का देख लेते हैं और बोले जितना लग रहा फिर वो माइनस कर दीजिए इट मीन 372.125 का का कितना परसेंट 73 परसेंट इक्विटी से उठाओगे आप हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे चेक करो थ्री सेवेंटी टू पॉइंट वन टू फाइव का सेवेंटी थ्री परसेंट तो यह आ गया टू वन पॉइंट सिक्स फाइव तो यहां से माइनस करोगे नेट इन्वेस्टमेंट और यह आ गया टू सेवन वन पॉइंट सिक्स फाइव अब चेक करो इक्विटी वालों के लिए कितना पैसा बचा है 290 माइनस टू तो भाई इक्विटी वाले हम आपको दे सकते 18.35 और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं डिवाइडेड बाय 32.5 करोड़ तो एक शेयर पे कितना पैसा बच सकता है फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या होता है आप अच्छा? सब कुछ माइनस कर दीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर भी माइनस कर दीजिए वर्किंग कैपिटल में जो पैसा लग रहा है वो भी माइनस कर दीजिए उसके बाद जो बचा दिस इज फ्री कैश फ्लो ये फ्री कैश फ्लो किसके लिए फ्री कैश फ्लो किसके लिए फॉर इक्विटी इक्विटी शेयर होल्डर के लिए तो चेक करते एक शेयर पर कितना कितना बढ़ सकता है एट पॉइंट एटीन पॉइंट थ्री फाइव डिवाइडेड बाई थर्टी टू पॉइंट फाइव तो चेक करते आंसर आंसर है बेटे जीरो पॉइंट फाइव सिक्स फोर सिक्स है फोर सिक्स फोर फाइव ले सकते हो बात समझ में आ रही है अब सुनो मेरी बात बड़ी सिंपल सी अगर देखो ध्यान से ये लिखा हुआ है और यहां देखो ये लिखा हुआ है क्या ये आंसर मैच हो गया यस बस यहां पर शेयर बेसिस पे निकाला गया और मैंने टोटल में निकाला है अब समझने की कोशिश करो ध्यान से अगर आप इक्वेशन को देखो थोड़ा सा इक्वेशन समझ में आएगी देखो इन्होंने क्या किया पहले दो सौ नब्बे करोड़ डिवाइडेड बाय थर्टी टू पॉइंट पहले पर शेयर उन्होंने इनकम निकाल लिया एट पॉइंट नाइन टू थ्री अब इसमें से भाई दो चीजें करना एक हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर फोर्टी सेवन माइनस थर्टी नाइन फोर्टी सेवन माइनस थर्टी नाइन यही कर लिया उन्होंने माइनस और इसका कितना परसेंट सेवेंटी थ्री परसेंट और इसके अलावा चेंज इन वर्किंग कैपिटल का भी कितना सेवेंटी थ्री अल्टीमेटली तो आंसर तो वही आना है बात समझने की कोशिश करो ठीक है सर तो इसी को क्या बोला जाता फ्री कैश फ्लो फ्रॉम इक्विटी यहां तक बात समझ में आ रही है यस yes, सर अब क्वेश्चन में कुछ रह नहीं जाता है अगर ध्यान दो ध्यान दीजिए ये फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी कब का है

और फिर ऐसा करके आपका आंसर किया जाएगा पी जीरो आ जाएगा इट मीनस अगर जो प्रॉब्लम थी वो इस इक्वेशन में थी कि इक्वेशन है क्या करके ठीक है तो अल्टीमेटली वही है मैंने कहा ना मैं बिल्कुल एक्सपर्ट नॉलेज की तरह नहीं समझा सकता आपको बिल्कुल किया बिल्कुल अंदर चला जाए उसके लिए तो टाइम चाहिए टाइम है नहीं है ना आपके पास ना मेरे पास यहाँ बस पढ़ा हुआ है मैं रिविजन तो ये क्वेश्चन था अच्छा क्वेश्चन है और लॉजिकली अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू पे चल रहे हैं हम लोग और ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन डाला क्वेश्चन नंबर टू तो सर चेक करें क्वेश्चन नंबर टू में क्या है यस मैसर्स अखबर इंडस्ट्री प्लानिंग टू इश्यू डिबेंचर बेटे डिवेंचर इश्यू करना, करना है इन लोगों को डिवेंचर इश्यू करना डिवेंचर ऑन द फॉलोइंग टर्म फेस वैल्यू कितना डिबेंचर का सौ और कितने साल लाइफ है दस साल आप सौ रुपए का डिबेंचर है सौ रुपये फेस वैल्यू दस साल लाइफ है लेकिन जो इंटरेस्ट मिल रहा है जो कूपन पेमेंट मिल रहा है वो कन्वेंशनली नहीं है नॉन कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल बॉन्ड्स एक्चुअल में ये इसका मतलब इंटरेस्ट कभी ज़्यादा मिलेगा कभी कम मिलेगा इस तरह से तो उनका जो है उनका ये कहना कंपनी का कि एक से चार साल तक हम नौ परसेंट ब्याज देंगे सौ रुपए का नौ परसेंट नौ रुपए फाइव टू एट हम टेन परसेंट इंटरेस्ट देंगे और नाइन्थ एंड टेंथ ईयर में हम फोर्टीन परसेंट इंटरेस्ट देंगे ठीक है तो सीधा सीधी बात है सौ रुपए का नौ परसेंट नौ रुपए दस रुपए और चौदह रुपए इंटरेस्ट जाएगा करंट मार्केट ऑन सिमिलर डिबेंचर पंद्रह इट मीन अगर आपको डिबेंचर खरीदना है बॉन्ड्स खरीदना है और मुझे डिस्काउंटिंग करना है तो मैं पंद्रह परसेंट से डिस्काउंटिंग कर सकता हूं द कंपनी प्रपोजिज टू प्राइस द कंपनी प्रपोजिज द प्राइस द इश्यू इन सच अ मैनर दैट इट कैन यिक्सटीन परसेंट पर एनम उंडेड रेट ऑफ रिटर्न टू द ये क्या बोल रहा है सुनना ध्यान से क्या मुझे डिबेंचर खरीदना अगर मुझे डिबेंचर खरीदना है और मैं उसका वैल्यू निकालू तो भाई मुझे बाहर कंपनी से दूसरी कंपनी से जितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न उतना तो मिलना चाहिए इट मैं डिस्काउंटिंग कितने परसेंट से करता पंद्रह परसेंट पर कंपनी क्या चाहती है कंपनी ये चाहती है कि हम डिवेंचर को इस तरह से इश्यू करें ऐसे इश्यू करें कि जो इन्वेस्टर हमसे डिबेंचर खरीदे उनको कितने परसेंट की कमाई उनका यिल्ड हो उनका यील्ड कितना परसेंट हो सोलह परसेंट इट मीन अगर कंपनी इश्यू प्राइस निकालना चाहती है तो आपको डिस्काउंटिंग किससे करना पड़ेगा सिक्सटीन परसेंट से डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा कंपनी आल्सो प्रपोजेस टू रिडीम द डिबेंचर और बोले जब हम पैसे वापस करेंगे ना टेंथ ईयर में ऑन मेच्योरिटी तो पांच परसेंट ज्यादा करेंगे इट इटमीन्स सौ रुपए ना तो सौ रुपए नहीं एक सौ पांच रुपए वापस करें रिक्वायरमेंट क्या है रिक्वायरमेंट है आपको क्या निकालना आपको निकालना इश्यू प्राइस इश्यू प्राइस मतलब कंपनी कितने में इश्यू करेंगी तो बोलो डिस्काउंटिंग कितने परसेंट से होगा सोलह परसेंट से डिस्काउंटिंग होगा क्वेश्चन वैसे एक लाइन में भी हो सकता है पर आरटीपी ने इस तरह से प्रेजेंटेशन किया है और मेरा भी ये मानना है कि प्लीज प्रेजेंटेशन टेबल में कर लो क्या फर्क पड़ा आप भी जानते हो कुछ है नहीं है तो प्रेजेंट वैल्यू यू निकालोगे आप चुटकियों में प्रेजेंटेशन ऐसे दिया है दस साल का पीरियड दिया है पहले चार साल कितना रुपए नौ रुपए फिर चार साल कितना रुपए? रुपए, दस रुप है। फिर नाइन्थ एंड टेंथ तें में कितना? फोर्टीन और एक सौ पांच रुपए अलग वापस होगा डिस्काउंटिंग कितने परसेंट से होगा सिक्सटीन परसेंट से फैक्टर दिया हुआ है और फाइनली कितना आया आंसर सेवेंटी वन पॉइंट थ्री टू सेवन एश्यू प्राइस ऑफ डिवे सर इसमें एक्सप्लेन कीजिए बट इसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई बात ही नहीं है ये क्वेश्चन इतना सिंपल है कि मुझे एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर फिर भी अगर हमें समझ में नहीं आ रहा तो फिर तो बड़ी दिक्कत है सर फिर तो आप एग्जाम देने की स्थिति में नहीं हो एस का पेपर अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो हो जाएगा एक माह दो माह है दूसरा क्वेश्चन हो गया दूसरे क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन कहां से उठाया गया थर्ड क्वेश्चन है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिंपल क्वेश्चन है बीटा निकालना है और बीटा अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ रहे हो अगर आप बीटा नहीं निकाल रहे हो तो फिर लिखा दी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी का नाम है एफ और मार्केट का नाम है पी पी ठीक है प्रोबेबिलिटी दिया तीन सिक्योरिटी का रिटर्न दिया है और इसका रिटर्न दिया मार्केट का

फिर इसको हम एक्स बोलते हैं जनरली एक्स कितना है थर्टी ट्वेंटी जीरो सर ये क्या आ जाएगा इसको बोलते हैं हम पी एक्स थर्टी इन पॉइंट थ्री ये आ गया और ये आ गया एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पी प, आ, मतलब सिक्योरिटी का रिटर्न ठीक है उसके बाद डेविएशन निकालना पड़ेगा तभी तो कोवेरियंस निकलेगा तो इन्होंने किया एक्स माइनस एक्स बार दिस एक्स माइनस एक्स बार थर्टीन एक्स माइनस एक्स बार थ्री एक्स माइनस ठीक है एक्स माइनस एक्स बार अब प्रॉब्लम है इसका अगर आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो तो जीरो आएगा ठीक है, है ये तो तो पता यार तो अब क्या है? हमें करना पड़ेगा, किया और, तो किया से, तो ये आ गया आपका और इसको स्क्वायर रूट कर दिया क्योंकि यहां स्क्वायर हुआ था तो ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एक्स का मतलब सिक्योरिटी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ऐसे किसका किया है मार्केट का सेम सिचुएशन टेन ट्वेंटी थर्टी ये लिखा है टेन ट्वेंटी थर्टी प्रोबेबिलिटी का पहले कॉलम होना चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता ये 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 हो 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 गया y, तो हो गया 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 अब को कर दिया इससे हमारा तो कैसे आ गया है? ये यहां है 10 टेन या माइनस टेन है 10. ठीक है ये मिसप्रिंट हुआ होगा -10 है तो -10 टेन इंटू तो ये आ गया -3 थ्री यहाँ आ गया 8 और यहाँ आ 9। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आ गया फोर्टीन अब क्या करना पड़ेगा अब डेविएशन निकालना एक्स माइनस एक्स बार या वाई माइनस वाई बार तो यहाँ वाई और यहाँ ये क्या क्या हो गया मेरा वाई बार वाई माइनस बार तो ये आ गया ट्वेंटी ये आ गया सिक्स ये आ गया सिक्सटीन पर प्रॉब्लम वही प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आ आ आ जाएगा इसलिए हमने क्या किया 24 का किया किया स्क्वायर स्क्वायर का अब ये 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 गया गया आपका और उसको किससे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी से ये से डेविएशन तो 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 दो चीज हो गई क्या क्या हो गया आपके पास स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स हो गया मतलब सिक्योरिटी कितना 11.87 और स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ मार्केट हो गया और वो कितना हो गया 16.25 अब भाई साहब ने क्या मांगा कोवेरेंस कोवेरेंस याद करो x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार इन टू तो यहाँ एक कॉलम बनाया इन्होंने x माइनस बार डेविएशन ऑफ एक्स x तो माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई किससे किया y माइनस वाई बार तो ये है एक्स माइनस एक्स बार थर्टीन और y माइनस वाई बार कहां गए ये है तो थर्टीन इंटू ट्वेंटी फोर थर्टीन इंटू माइनस ट्वेंटी फोर एक बार चेक कर लेता हूं मैं थर्टीन इंटू ट्वेंटी फोर माइनस में तो यह माइनस थ्री वन टू हाँ यही है दिस इज एक्स माइनस एक्स बार और ये है वाई माइनस वाई बार इसी तरह से एक्स माइनस थ्री इंटू सिक्स तो ये कितना होगा एटीन और ये आ गया दिस को और इसको फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया को एक्स एंड वाई ठीक अब बस उसने क्या क्या मांगा था क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न मालूम है यस yes, ये भी कोवेरियंस भी निकल गया अब बीटा मांगा अब भैया बीटा निकालने के दो फॉर्मूला है या तो आप कोरिलेशन निकालो निकल सकता है कोरिलेशन निकालिए और बीटा निकालिए या तो डायरेक्ट बीटा निकालिए और डायरेक्ट बीटा निकालने का फॉर्मूला आपको आता होगा कोवेरियंस एक्स वाई मतलब ऊपर कितना आएगा ये वाला माइनस वन सिक्सटी एट और वेरियंस ऑफ मार्केट और वेरियंस ऑफ मार्केट यहाँ दिया है टू सिक्सटी फोर यहाँ निकाला था कहीं ये है टू सिक्सटी फोर तो ये आ गया आपका बीटा और बीटा माइनस में हो सकता है अल्टरनेटिव आप कौन से वाले से करते आप को रिलेशन वाले से भी कर सकते थे तो ये पोर्टफोलियो का क्वेश्चन था कुछ खास बात इसमें भी नहीं थी बात करते क्वेश्चन नंबर फोर की क्वेश्चन नंबर फोर सर ये भी क्या पोर्टफोलियो का है यस yes, ये भी क्वेश्चन पोर्टफोलियो का है हाँ लिखा है अ पोर्टफोलियो मैनेजर हैज द फॉलोइंग फोर स्टॉक्स चार स्टॉक अब चार स्टॉक में एक है VSL CSL SML और ए और दस हजार शेयर्स है इसके पांच हजार शेयर्स आठ हजार शेयर और यहां मार्केट प्राइस दिया और सबका क्या दिया बीटा और पहले क्या मांगा है पोर्टफोलियो बीटा पोर्टफोलियो बीटा तो इन्होंने टेबल बना के किया हम एक लाइन में भी कर सकते टेबल बना के ऐसे किया चारों सिक्योरिटी का नाम लिख दिया और नंबर ऑफ शेयर्स लिखा ओके मार्केट प्राइस पर शेयर लिखा और यहां आ गया वैल्यू पाँच लाख एक लाख दो लाख चार लाख टोटल कितना वैल्यू हो गया बारह लाख और फिर इनका वेट निकाला और फिर इसको वेट से आपने क्या कर दिया मल्टीप्लाई और ये आ गया दिस इज पोर्टफोलियो बीटा अगर सर आप होते तो कैसे निकालते बेटे मेरे लिए तो बड़ा आसान काम है मैं होता तो मैं ऐसे निकालता बीटा पोर्टफोलियो इज इक्वल टू बोलो इसमें कितना पैसा लगा पांच लाख लग। और इसका कितना है जीरो पॉइंट नाइन प्लस इसमें पैसा कितना लगा है पांच लाख के बाद एक लाख और इसका बीटा कितना है वन प्लस उधर पैसा कितना लगा है दो लाख और इसका बीटा कितना दिखाई दे रहा दो लाख इंटू वन पॉइंट फाइव इसको दो ही लिखना पड़ेगा ना यार इंटू वन पॉइंट फाइव प्लस लास्ट वाले में कितना पैसा लगा चार लाख इन टू वन पॉइंटेड एवरेज है डिवाइडेड बाय क्या करूंगा बारह बारह लाख है तो आपको पता है आप चाहो तो कैलकुलेशन कर लेना आंसर आएगा वन पॉइंट वन जीरो आंसर उतना ही आ रहा पोर्टफोलियो बीटा है पहला वाले में तो कुछ है ही नहीं दूसरा वाला दूसरा वाला अच्छे से समझ रहा हूं इफ द पोर्टफोलियो मैनेजर सिक्स टू रिड्यूस द बीटा पॉइंट एट बोले पोर्टफोलियो मैनेजर जो बीटा है उसको पॉइंट एट करना चाहता है जो पोर्टफोलियो बीटा आ रहा है ना आपका वन पॉइंट वन जीरो करना चाहता है पॉइंट एट तो बताइए हाउ मच रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट शुड बी शुड ही बताइए भैया पोर्टफोलियो बीटा मैनेजमेंट है अगर आपको पोर्टफोलियो का बीटा कम करना है तो पैसा रिस्क फ्री में लगाना पड़ेगा वो बोला कितना लगाए रिस्क फ्री में अब उन्होंने ये टेबल बनाया है और ये क्या बनाया है ये भी मैं डिस्कस करूंगा पहले मैं अपने हिसाब से काम कर लूं ठीक है जी पोर्टफोलियो बीटा मैं होता तो कैसे करता कितना रखना पोर्टफोलियो बीटा 0.8 ऑलरेडी कितना पैसा लगा है बारह लाख ऐसा लिख देता हूं बारह लाख और पोर्टफोलियो का बीटा ऑलरेडी एट प्लस रिस्क फ्री में कितना पैसा लगाना नहीं मालूम एक्स और उसका रिस्क फ्री का बीटा कितना होता है जीरो डिवाइडेड बाय यहां टोटल कितना हो जाएगा बारह लाख प्लस एक्स

थर्टीन लाख ट्वेंटी नाइन सिक्स हंड्रेड माइनस नौ लाख साठ हजार डिवाइडेड बाय पॉइंट एट देखते हैं आंसर कितना आ रहा तो आंसर आ रहा फोर लैख सिक्सटी टू थाउजेंड अगर हम फोर लैख सिक्सटी टू थाउजेंड रिस्क फ्री में डालेंगे तो क्या हमारा काम बन जाएगा का? यस अब यहां इन्होंने कैसे किया अब सुनोगे ध्यान से अब यहां कैसे काम हो रहा है सुनना इन लोगों को कहना किया रिक्वायर बीटा कितना चाहिए ठीक है इट मींस पॉइंट एट डिवाइडेड बाय वन पॉइंट मतलब जो प्रेजेंट में पैसा लगा है वो सेवनटी टू पॉइंट टू परसेंट ऑफ प्रेजेंट पोर्टफोलियो फिर इन्होंने अगर मैं कहूं इन्होंने क्या किया इन्होंने भी अल्टीमेटली वही किया कि बारह लाख ,00 है अगर सेवेंटी टू पॉइंट टू जीरो परसेंट तो पूरा पैसा कितना आ गया सिक्सटीन लाख सिक्सटी टू थाउजेंड

अच्छा मार्केट प्राइस पर शेयर कितना ले लिया दस रुपए ले लिया इसलिए यहां चार लाख बासठ हजार हो गया फिर वेट निकाला ये कि आंसर तो इतना ही आना है भाई इस बात को प्रूव करने की क्या जरूरत है पर उन्होंने प्रूव करके भी बताया आर टी में अच्छी बात है सेम सिचुएशन यहां हो गया पॉइंट नंबर थ्री में अगर बोले पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बीटा जो है अभी कितना है 1.108 इसको अगर 1.2 करना चाहे तो बताइए रिस्क फ्री में कितना लगाओगे फिर उन्होंने इस तरह से किया है हम किसी और मेथड से करते हैं अगर हम होते तो हम क्या करते हैं? सर अगर हम होते तो यहाँ क्या लिखते 1.2 पॉइंट टू इज इक्वल टू यहाँ तो ये यह आ जाएगा तेरह लाख उनतीस हजार छ सौ प्लस एक्स इंटू जीरो डिवाइडेड बाय बारह लाख प्लस एक्स यही बनता है इक्वेशन ये मैंने मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया थी ठीक है, है अब इधर वन पॉइंट टू से मल्टीप्लाई होगा बारह लाख इंटू वन पॉइंट टू तो फोर्टीन लैखी था प्लस वन पॉइंट टू जीरो कितना आएगा थर्टीन लैख ट्वेंटी नाइन सिक्स हंड्रेड एक्स की वैल्यू निकालते हैं माइनस थर्टीन लैख ट्वेंटी नाइन सिक्स हंड्रेड माइनस फोर्टीन लैक फोर्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन पॉइंट टू सर ये तो माइनस में आ गया माइनस नाइन्टी टू थाउजेंड सर माइनस का मतलब क्या है बेटे रिस्क फ्री पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो अगर माइनस में आए तो माइनस में वेट हो सकता है इसका मतलब कि आप रिस्क फ्री से पैसा उधार लोगे और अपने पोर्टफोलियो में और लगाओगे इन्होंने भी वैसे ही कर रखा चेक करो बीटा कितना करना है वन पॉइंट टू और प्रेजेंट में कितना है 108.30 तो 1.2 के लिए कितना पैसा ये उन्होंने निकाला और यहां आ गया ग्यारह लाख अस्सी हजार तीन सौ तो इनके हिसाब से जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है सुनना ध्यान से इन्होंने कहा कि जो बारह लाख ,00 लग रहा है हम पैसा उधार ले, ले लेंगे जो 12 लाख लग रहा है उसमें पैसा थोड़ा सा वेरिएशन आएगा और इनका आंसर आया 91970 वन इक्वेशन से कि 12 लाख है ना थोड़ा सा फ्री करेंगे और हम पैसा उधार लेंगे ठीक है अल्टीमेटली मैं ऐसे भी कर सकता था कि 12 लाख लगा हुआ है और लगाऊंगा और कितना उठाऊंगा 92,000 और लगाएंगे अल्टरनेटिव आंसर पॉसिबल है आंसर थोड़ा सा वेरिएशन आएगा यहां 91,970 और यहां 92,000 ठीक है ये आपको शो करना है तो अलग बात है आपको शो नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं तो ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर फोर जो हमने सॉल्व किया अगला क्वेश्चन उठा रहे हैं और अगला क्वेश्चन जो है वह है फेवरेट क्वेश्चन म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तो आपका किया होगा अच्छे से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है अब म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम क्या है समझ रहा हूँ यहां से एने भी तो समझता है सर यस सर बोले एक सात दो हजार सोलह सात दो हज़ार सोलह मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड फिफ्टी थाउजेंड पचास हज़ार रुपया इन्वेस्ट किया सर इन्होंने और कितने रुपए का एक यूनिट दस रुपए का एक यूनिट मतलब पचास हजार रुपया लगाया है और दस रुपए का एक यूनिट तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितना हो गया पांच हज़ार यूनिट्स इन्होंने परचेज़ किया थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार सत्रह तो अकाउंटिंग कब क्लोज होगा हमारा थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सेवेंटीन को अकाउंटिंग क्लोज हो रहा है डिविडेंड वास पैट डिविडेंड डिविडेंड कितना है टेन परसेंट एंड एनुलाइज यील्ड और यील्ड कितना है दिया है 120 परसेंट यील्ड तो आप समझते हो ना हाँ सर डिविडेंड कैपिटल गेन सब मिलाकर यील्ड आता है 120 परसेंट था ठीक है ऑन 31 मार्च 2018 31 मार्च 2018 की बात हो रही है चेक करते ये आगे मेरा 31 मार्च 2018 थर्टी मार्च 2018 को क्या बात है बोले 20 परसेंट डिविडेंड डिविडेंड हो गया कितना परसेंट ट्वेंटी एंड कैपिटल गेन भी है और कैपिटल गेन कितना है 0.60 पर यूनिट और बोला मिस्टर एक्स रिडीम्ड ऑल इतना यूनिट्स हो गए बोले लास्ट में व्हेन हिज एनुअलाइज इट टू 71.5% ओवर द पीरियड ऑफ होल्डिंग ठीक है कैलकुलेट एनएवी 31 मार्च 2017 31 मार्च 2018 और एनएवी कब की निकालना है आपको 31 मार्च 2019 की भी निकलना अब एक बात क्वेश्चन बड़े सारे हैं ये वाले क्वेश्चन तो अगर इसको ना भी समझो तो भी चल सकता है इसमें कुछ है है नहीं यहां तक डिविडेंड मिल रहा दस परसेंट ओके से यहां तक कितने मंथ होते थर्टी फर्स्ट मार्च जुलाई अगस्त सेप्टेंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी नाइन मंथ तो अगर साल भर की यील्ड है 120 परशन, तो नौ महीने की कितनी होगी एक सौ बीस परसेंट इंटू नाइन बाई टीन जो 50,000 लगाया है उसमें 90 परसेंट और ऐड कर दीजिए 50,000 हजार प्लस पचास हजार का 90 परसेंट तो टोटल तो पोर्टफोलियो कितना हो गया नाइनटी आपका जो वैल्यू हो गया नाइन्टी हो गया और उसमें से पांच डिविडेंड मिल भी गया तो लास्ट में जो वैल्यू है वो तो नब्बे बची होगी नब्बे हजार पांच हजार रुपए चलो निकल भी गया डिविडेंड के रूप में आपको मिला तो कंपनी के पास जो आपकी यूनिट्स है वो तो नब्बे हजार रुपए की है यस yes. और आपके पास यूनिट तो एक यूनिट का प्राइस कितना है रुपए इट अगर मैं एनएवी की बात करूं एनएवी तो यहां का एनएवी कितना आया यहां का यहां का आया रुपीजी यहां का एनएवी आ गया अठारह रुपए कोई दिक्कत की बात नहीं सर ठीक है मतलब डिविडेंड और जो यूनिट बढ़ी वैल्यू बढ़ी उस वो मिलाकर अठारह रुपये यस सर yes. जो डिविडेंड मिला था कितना रुपए डिविडेंड मिला था पाँच हज़ार उसका क्या किया मेरा एजमिशन है कि इन्वेस्ट किया होगा री इन्वेस्ट किया होगा इट से उस पाँच हज़ार से और यूनिट्स खरीद लिया होगा कितना यूनिट्स खरीदा टू सेवेंटी सेवन पॉइंट सेवन एट पाँच हज़ार डिवाइडेड बाई अठारह अब टोटल यूनिट्स कितनी होगी पाँच हज़ार यूनिट्स पहले से थी 277 टोटल हो गई 5277.78 यूनिट्स यहां हो गई मेरी अब क्या हो रहा अब यहां एक तो डिविडेंड मिल रहा है और एक क्या नहीं मिल रहा है कैपिटल गेन पर यूनिट तो एक बार डिविडेंड देख लेते हैं कितना रुपया मिल रहा है यहां चेक कर रहे हैं हम कितना रुपया मिल रहा तो, है हमको तो 5277.8 दस रुपए फेस वैल्यू में और 20% डिविडेंड तो ये हो गया डिविडेंड का अमाउंट और फाइव टू सेवन सेवन यूनिट और साठ पैसा आपको कैपिटल गेन मिला तो टोटल इतना रुपया हमारा इतना रुपए मिला मुझे किस रूप में डिविडेंड के रूप में और कैपिटल गेन के रूप में ठीक सर इतने रुपए को क्या किया मैंने इन्वेस्ट किया होगा इतने रुपए को और इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा यूनिट मिली होगी बेटे अब समझना मेरी बात यहां तक मेरे पास कितना यूनिट था यहां तक था मेरे पास फाइव टू सेवन सेवन पॉइंट सेवन एट यूनिट्स और यहां कितना यूनिट्स हो गया लास्ट में जो रिटर्न यहां हो गया सिक्स टू सेवन वन पॉइंट नाइन एट यूनिट्स तो सर एक्स्ट्रा यूनिट्स भी तो बढ़ी है यस कितनी यूनिट्स बढ़ी है निकाल लेते कितना यूनिट्स बढ़ गया है इनक्रीज कितना यूनिट्स हो गए चलो चेक करते कितना यूनिट्स बढ़ा सिक्स टू सेवन वन पॉइंट नाइन एट माइनस फाइव टू सेवन सेवन पॉइंट सेवन एट तो बेटे ये यूनिट्स आया नाइन नाइन फोर पॉइंट टू जीरो यूनिट्स आया कहां से बेटे खरीदा ही तो होगा और सर कौन सर से इसी पैसों से तो खरीदा होगा इट मीन्स वन थ्री सेवन टू टू पॉइंट टू थ्री डिवाइडेड बाय कितना यूनिट्स एक्स्ट्रा बढ़ गए नाइन नाइन फोर पॉइंट टू जीरो तो बताइए कितने रुपए के हिसाब से खरीदा होगा और वही तो मेरा एन आ जाएगा वन थ्री सेवन टू टू पॉइंट टू थ्री डिवाइडेड बाई नाइन नाइन फोर ये खरीदा होगा थर्टीन पॉइंट एट जीरो के हिसाब से ये है एन एव और ये एनएवी क्योंकि यहां हमको डिविडेंड मिला था तो ये एनएवी यहीं का निकला और कितना निकला थर्टीन पॉइंट एट जीरो दूसरा आंसर हो गया अल्टरनेटिव ऑफ एक्स वैक्स लगा के कर सकते हो तो ये भी मैथड्स नहीं एक ही बात है ठीक है सर अब बात करते यहां अब मुझे बताओ यहां का यील्ड कितना दिया एनुलाइज है सेवनटी वन पॉइंट फाइव जीरो द पीरियड ऑफ होल्डिंग फिर सेवेंटी वन पॉइंट फाइव परसेंट एनुलाइज ओवर द पीरियड ऑफ होल्डिंग मतलब यहां से यहां तक हमने एनुअली कमाया और कितना कमाया सेवनटी वन पॉइंट फाइव जीरो परसेंट तो मंथ कितना पड़ेगा यहां से यहां तक कितने मंथ हो गए नाइन बारह बारह तो कितना हो गया बारह बारह चौबीस बारह इंटू टू प्लस नाइन थर्टी थ्री मंस. तो निकाल लेते अगर सेवेंटी वन पॉइंट फाइव परसेंट है बारह महीने का तो थर्टी थ्री मंथ का कितना बारह महीने का तो थर्टी थ्री मंथ का कितना तो 71.5 वन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय बारह इंटू थर्टी थ्री तो ये आ गया बेटे वन नाइन्टी सिक्स पॉइंट सिक्स टू फोर सिक्स टू फाइव परसेंट ये आ गया तो चेक कर लेते कि पचास हजार बढ़ के कितना हो गया तो पचास हजार प्लस वन नाइन्टी सिक्स पॉइंट सिक्स टू फाइव परसेंट ये हो गया बेटे वन फोर एट वन फोर एट थ्री वन टू इतना रुपया हो गया और यूनिट्स कितना है सिक्स टू सेवन वन पॉइंट नाइन एट तो ये आ गया एन पर यूनिट चेक कर लेते हैं डिवाइडेड बाय सिक्स टू सेवन वन पॉइंट नाइन एट तो ये एनएवी आ गया ट्वेंटी थ्री पॉइंट के आसपास पास सिक्स फोर सिक्स फाइव ये म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि म्यूचुअल फंड करवाया गया और ये क्वेश्चन नहीं करवाया गया सिंपल क्वेश्चन है तो अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए पांच अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे ठीक है जी अब जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वो है डेरिवेटिव और डेरिवेटिव में जो बात है डेरिवेटिव में वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन पढ़ा होगा शायद आपने ऑफ ऑप्शन तो वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन में बाइनोमियल भी था और इसके अलावा पुट कॉल पैरिटी था इसके अलावा बी था तो ये क्वेश्चन बी एस एम बी एस एम जनरली क्वेश्चन छोड़ देते हैं बच्चे लोग और सर पूरा कॉन्सेप्ट पूरा कॉन्सेप्ट समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा बहुत सारी वीडियो क्वेश्चन के ऑलरेडी डले हुए हैं पहले से मेरे चैनल में तो मैं डिस्क्रिप्शन में जिस जिस का भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देता हूं ताकि आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट समझना तो आप वहां से समझ सकते हो हर एक क्वेश्चन का ठीक है क्या है जरा देखते हैं लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर सर्टेन स्टॉक फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन वैल्यू ऑफ ऑप्शन प्राइस दिया हुआ है स्टॉक का कितना रुपए दिया है अस्सी ठीक है सर सर इस करंट स्टॉक प्राइस को आप अस्सी रुपए बोल सकते हो कि यस ये अस्सी रुपए आपको दिया हुआ ठीक एक्सरसाइज प्राइस कितना दिया हुआ सेवेंटी फाइव कॉल ऑप्शन का वैल्यू निकालना अच्छा तो सर एक्सरसाइज प्राइस को इन्होंने के लिखा हुआ हम ये लिखते हैं ठीक है चल जाएगा कितना रुपया दिया हुआ भाई सेवेंटी फाइव रुपीज ठीक है सर यहां तक भी दिक्कत नहीं है आगे क्या दिया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग रिटर्न एच डी दे रखे स्टैंडर्डाइविएशन पॉइंट फोर तो कहीं ना कहीं आपका डेविएशन की जरूरत पड़ेगी और वो दिया है जीरो पॉइंट फोर जीरो ओके okay, और एनुअल इंटरेस्ट का रेट कितना दिया है बारह परसेंट तो बारह परसेंट आपका रेट ऑफ आप इंटरेस्ट हो गया उसका कहीं ना कहीं यूज होना है बारह परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और ये कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसके विषय में समझेंगे बीएसएम मैंने कहा ना मैं डिटेल में नहीं समझा सकता पर थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ डिटेल में समझना डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दिया हुआ है आराम से कॉन्सेप्ट समझ सकते हो अब एक बात बताओ कॉल ऑप्शन कॉल ऑप्शन याद करो याद करो कॉल ऑप्शन मतलब हम क्या चाहते हैं हम भगवान से यह प्रार्थना करेंगे कि शेयर का प्राइस बढ़े कि कम हो बढ़े हम तो बढ़े इट मीन हम यह चाहेंगे कि शेयर का प्राइस सपोज एक्सरसाइज प्राइस 75 फाइव और कौन सा ऑप्शन है कॉल तो मैं क्या चाहूंगा शेयर का प्राइस सेवेंटी फाइव से ऊपर जाए और सपोज स्टॉक का प्राइस एस मान लो कुछ भी ले लेते हैं सौ रुपए हो गया तो यार मेरा फायदा कितने का मेरा फायदा पच्चीस रुपए का है पच्चीस रुपए का फायदा दिख रहा है हाँ क्योंकि मुझे पच्चीस रुपए का फायदा होने वाला है तो मैं उस ऑप्शन को खरीदने के लिए प्रीमियम का कितना पैसा दे सकता हूं पच्चीस उससे ज्यादा नहीं दूंगा कैसे भी नहीं दूंगा पच्चीस रुपए वो पच्चीस कैसे निकलता पच्चीस बड़ा सिंपल है वो कैसे निकला एस माइनस एस माइनस ई ठीक है तो अगर मैं कहूं कॉल ऑप्शन मतलब स्टॉक प्राइस ज्यादा होना चाहिए एक्सरसाइज प्राइस से यहां तक बात समझ में आती है यस सर बात समझ में आती है ठीक एस माइनस -E. ई पर एक बात बताऊं ये जो एक्सरसाइज प्राइस दिख रहा है आपको एक्सरसाइज प्राइस ये कब का है ये आज का है कि ये कितना पीरियड है छह महीने बाद का है एक्सरसाइज सोचो 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 सर हम एक्सरसाइज तो छह महीने बात करेंगे ना यस yes. तो उसका प्रेजेंट वैल्यू लेना पड़ेगा आपको अच्छा इसलिए क्या इसका हम प्रेजेंट वैल्यू ले सकते हैं यस yes. तो अगर मैं कहूं s माइनस ई डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एक्सपोनेंशियल कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग e पावर आर टी ओके सर तो बस बात सिंपल है ये शेयर का प्राइस कब का है आज का और ये एक्सरसाइज प्राइस कब की है छे महीने बात की तो इसका भी तो प्रेजेंट वैल्यू लेना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू मैंने ले लिया बस इसको मल्टीप्लाई क्या पक्का है कि स्टॉक का प्राइस छह महीने बाद उतना ही होगा और मुझे यहां कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी यूज करना पड़ेगा हल किसी बात बता रहा हूं पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कशन नहीं हो रहा अच्छा सर प्रोबेबिलिटी यूज करना पड़ेगा हां इट मींस इसको भी किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको भी किसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर मैं फिर से कहूँ फॉर्मूला ऐसी ही रहे। अब फॉर्मूले में धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा अगर मैं कहूं फॉर्मूला क्या बना एस एस इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा कुछ से कुछ का नाम क्या हो जाएगा एन डी वन माइनस ई डिवाइडेड बाय ई पावर आर टी और इसको जो मल्टीप्लाई करोगे वो किससे करोगे इसको जो मल्टी मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लाई एन डी टू बस बेटे बस यही आपका फॉर्मूला बन गया वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालने का एस इंटू एन डी वन ई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस इन टू एनडी टू सर ये एन डी वन और एन डी टू का मतलब क्या है अगर बुक की बात करूं तो उसमें लिखा हुआ है एन डी वन डी वन का मतलब क्या है डी वन हालांकि इसके लिए तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लगेगी डी वन का मतलब क्या है उसमें लिखा है डेल्टा ऑफ कॉल डेल्टा और सर डी टू का मतलब डी टू का मतलब उन्होंने ये बताया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑप्शन एक्सरसाइज प्राइस स्टॉक प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से ज़्यादा होने की क्या प्रोबेबिलिटी है सर बड़ा मुश्किल है समझ में नहीं आ रहा समझना है डिटेल में तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो सर यही फॉर्मूला ये लिखा हुआ कि हाँ भाई हाँ ये वाला फॉर्मूला वही है एस एन लिखा हुआ कोई बात नहीं को क्या लिखा उसने K लिखा। हम ई लिखेंगे डिवाइड कर रहे हो या फिर आप ऐसा कर लो माइनस पावर आर टी करो अल्टीमेटली डिवाइड ही होगा और उसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं एनडी टू यहां तक क्या सारी बातें समझ में आ रही है हाँ सर थोड़ा सा फॉर्मूले की चीजें समझ में आई है अब हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं ठीक है जी ओके okay, सर अब बात यह है कि सर ठीक है एस दिया है कि क्वेश्चन में एस 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 स्टॉक का प्राइस यस yes, अस्सी रुपए एनडी वन निकाल लेंगे, क्या ई दिया हुआ है यस सेवेंटी फाइव उसको हम डिस्काउंटिंग कर देंगे वो भी पर हमको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी एनडी वन और एनडी टू तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा उसके लिए हमें डी वन निकालना पड़ेगा डी वन और डी वन का फॉर्मूला क्या है बेटे ये दिया हुआ है डी वन का फॉर्मूला सर ये फॉर्मूला क्या है बेटे फॉर्मूला दिख रहा है एल एन का मतलब होता है नेचुरल लॉक ये दिया एल एन यहां लिख दू एस डिवाइडेड बाय ई प्लस आर प्लस स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइजेशन स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू इन टू टी बाय स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइजेशन रूट टी ये फॉर्मूला दिया है डी वन का सर ठीक है एस डिवाइडेड बाय ई अच्छा ये फॉर्मूला क्या कहता मैंने कहा ना डिस्क्रिप्शन में पर कभी भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा और ये पढ़ा होगा आपने मैं आपको याद दिला रहा हूं थोड़ा सा फार्मूला अच्छा लिख देता और आपने कभी ये फॉर्मूला पढ़ा होगा x माइनस एक्स बार डिडेड हां सर ये जेट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला ये है बस डेरिवेशन हुआ है किसी तरह से x माइनस एक्स बार में जेट का वैल्यू निकालना चाहता हूं और कुछ नहीं है ओके सर ठीक है फॉर्मूला वहां से डिस्क्रिप्शन में देखना पड़ेगा ठीक है सर ये देख लेंगे अब आगे जरा बात करें ओके okay, सर अब सुनना बेटे ध्यान से मैं क्या कर सर एस डिवाइडेड बाय e आपने लिखा है और एस कितना है एल एन लिखा है अस्सी डिवाइडेड बाय कितना दिखाई दे रहा है 75 फाइव अगर अस्सी डिवाइडेड बाय सेवेंटी फाइव कीजिए अस्सी डिवाइडेड बाय 75 फाइव तो सर ये तो आ गया वन पॉइंट जीरो सिक्स सिक्स सेवन राइट यस एल एन वन पॉइंट जीरो सिक्स सिक्स सेवन और क्या सर 1.0667, ओके okay, ये दिख रहा है 1.0667 दिख रहा है पर ये बताओ ये वैल्यू कहां से आई 0.0646, ये वैल्यू कहां से आई बेटे मेरी बात समझो या तो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा किस्मत से इस क्वेश्चन में दिया हुआ है बिल्कुल ध्यान से मेरी सर कहाँ दिया है चेक करो। ये दिया है। वन पॉइंट जीरो मतलब क्या है बस मतलब समझा दो तो बात कर क्या कभी आपने कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग सुना है कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग हाँ सर सुना है सपोज बेटे रेट कितना दिया है बारह परसेंट रेट कितना दिया बारह परसेंट क्या इसका आप कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग का फैक्टर निकाल सकते हो कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग का फैक्टर ये आना चाहिए आपको अगर आपको नहीं आता है तो दिक्कत है आप सुनोगे सुनोगे सपोज बारह परसेंट है तो इसको कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग होकर क्या फैक्टर आएगा तो याद करो हम ऐसे करते थे वन पॉइंट वन टू ठीक है या फिर आप इसको क्या कर लीजिए पॉइंट वन टू 4096 प्लस क्या करते थे कितने बार करना है बारह बार सर कहां से आ रहा है इसे भूल जाओ चेक करते पॉइंट वन टू बाय फोर जीरो नाइन सिक्स प्लस वन इनटू इक्वल टू इनटू इक्वल टू दो तीन चार पांच छः नौ दस ग्यारह बारह तो ये आ गया वन पॉइंट वन टू वन पॉइंट वन टू सेवन फाइव अच्छा सर ये बारह परसेंट का है सपोज हमको है हम सुनो उसको क्या बोलते थे बेटे धीरे धीरे याद कर दो सपोज हमको छह परसेंट का निकालना इट मीनस हमें निकालना ई जीरो पॉइंट जीरो सिक्स इसका वैल्यू निकालना क्या सर निकल सकता है yes. यस कैसे निकालूंगा पॉइंट जीरो सिक्स डिवाइडेड बाय फोर जीरो नाइन सिक्स प्लस वन इंटू इक्वल टू कितने बार करोगे बारह बार ये फिक्स है तो क्या आंसर आ जाएगा यस पॉइंट जीरो सिक्स डिवाइडेड बाय फोर जीरो नाइन सिक्स प्लस वन एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो यह आ गया वन पॉइंट जीरो सिक्स वन लिखा सिक्स टू ले सकता हूं वन पॉइंट पर किस्मत से आपको यहां दिया है छसेंट का दिया हुआ वन पॉइंट जीरो सिक्स टू पर अगर नहीं भी दिया होता तो क्या मैं छे परसेंट का कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग वाला फैक्टर निकाल सकता हूं यस अब मैं जो बोलने जा रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अब बस मैं आपसे ये बोल रहा हूं सुना 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 अगर मैं कहता हूं कि कंटिन्यूसली छः परसेंट के हिसाब से कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग होकर जो फैक्टर आया वो ये आया है और मैं आपको बता रहा हूं कि कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग फैक्टर है ये बताइए कितने परसेंट को कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग करके ये आया है ये कितने परसेंट को छह परसेंट को अगर मैं आपको यह बोल दूं और मैं कहूं छह परसेंट निकाल के बताओ तो कैसे करेंगे सर, अपोजिट कर देंगे अपोजिट कर देंगे। मतलब सर मैं फिर ऐसे करता बेटे इसको ध्यान देना मैं लिखता सबसे पहले वन पॉइंट जीरो सिक्स टू इक्वल टू लिया है तो मैं रूट कर देता कितने बार बारह बार उसके बाद डिवाइडेड है तो इनटू क्या कर देता फोर नहीं पहले क्या होता माइनस वन

और आपको निकालना है कि कितने परसेंट पे कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग हो कितने परसेंट को आपने कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग किया था तो आपको इसका नेचुरल लॉग निकालना पड़ेगा नेचुरल लॉग के लिए या तो टेबल हो या तो हमें कैलकुलेटर ट्रिक सीखना पड़ेगा और आंसर कितना आ गया जीरो पॉइंट जीरो सिक्स अब इंपॉर्टेंट मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैंने दिया ये एल एन वन पॉइंट जीरो सिक्स सिक्स से वन बताइए कितने परसेंटेज पे कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग किया कि हमारा आंसर 1.0667 आ गया तो उस कंडीशन में आप कैसे करते हैं इस तरह से होता है 1.0667 ln ये, यहां स्क्वायर रूट कितने बार हो जाएगा 12 बार और फिर क्या हो जाएगा -1 और इनटू क्या हो जाएगा 4096 तो क्या आंसर आ जाएगा यस yes, कोशिश करते हैं 1.0667 दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह माइनस वन इंटू फोर ज़ीरो नाइन सिक्स आंसर आ रहा है जीरो पॉइंट जीरो सिक्स फोर फाइव भगवान ना करे ये वैल्यू ना दिया हो तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा और यहाँ चेक करो यहाँ फाइव सिक्स और ये देखो एल एन वन पॉइंट जीरो सिक्स सिक्स सेवन वैल्यू क्या दिया है जीरो पॉइंट जीरो सिक्स फोर सिक्स हालांकि ये वैल्यू जो है वो कहां से उठाई गई है ये वैल्यू यहां से उठाई जीरो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है है यस क्वेश्चन में दिया हुआ है. ठीक है जी ओके सर ये सब कैलकुलेशन वाला पार्ट है हाँ जी तो यहां तक बात समझ में आई मैं क्या समझाने वाला हूं मुझे दो चीजें चाहिए एस जीरो और E D1 और D2 तो D1 जब निकाल रहा है तो D1 के लिए हम ये सारा काम कर ये D1 निकाल रहा है तो D1 में पहले 1.0667 आ गया S डिवाइडेड बाय K करके 12 परसेंट को आप 0.12 भी लिख सकते हो और 0.08 स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन कहा ये 0.40 तो क्या किया गया है 0.40 R 12 परसेंट स्टैंडर्ड स्टैंडशन का स्क्वायर मतलब जीरो पॉइंट फोर जीरो का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू किया होगा और सुनो छ महीने तो महीने को क्या लिखा जाता है आधा साल अल्टीमेटली ये क्या फॉर्मूला है एक्स माइनस एक्स बार डिड बाई स्टैंड का वैल्यू निकाल रहा ठीक है सर ये नीचे वाला पार्ट समझा दोगे क्या बेटे नीचे वाला पार्ट भी समझा सकता हूं लेकिन वही है कि टाइम बहुत ज्यादा जाएगा आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे बी एस पूरा समझ में आ जाएगा ठीक है सर तो अभी इसको आगे बढ़े यस उसके बाद डी वन की वैल्यू निकाला आपने पॉइंट फाइव एट टू जीरो ऐसे d2 टू का भी फॉर्मूला दिया हुआ मैं डेरिवेशन में बिल्कुल नहीं जा रहा हूं तो d2 टू का भी वैल्यू निकाल लिया पॉइंट टू नाइन नाइन टू यहां तक ठीक है ओके सर यहां तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं अब क्योंकि मुझे कुछ चीजें समझाना है इसलिए मुझे ये रफ करना पड़ेगा तो अभी हमारा D1 निकल गया D2 निकल गया ठीक है हाँ जी अब सुनो बात को क्या क्या निकल गया D1 निकल गया और D1 का वैल्यू कितना निकला D1 का वैल्यू कितना निकला हमारा जीरो पॉइंट फाइव एट टू जीरो और डी टू का वैल्यू कितना लिखना डी टू का वैल्यू निकला ज़ीरो पॉइंट टू नाइन नाइन टू पर हमें क्या निकालना हमें निकालना है एन डी वन और एन डी वन के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है और हमें ये हो गया है ज़ीरो हमें जो सेट करना है जीरो पॉइंट फाइव ए टू जीरो सपोज यहां है तो हमें ये क्यूमुलेटिव एरिया चाहिए हमें ये वाला एरिया चाहिए होता है ये सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के विषय में तो हमें कुछ आता ही नहीं है बेटे मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में देखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं हमें ये वाला एरिया चाहिए क्यूमुलेटिव एरिया अच्छा आप भी जानते इधर का एरिया ये है ये सेंटर इधर का एरिया पॉइंट फाइव होता है इधर का पूरा एरिया पॉइंट फाइव होता है तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है आपको जो दिया हुआ है क्वेश्चन वो ये दिया हुआ है एरिया ऑफ द लेफ्ट और राइट मतलब उसने आपको या तो इधर का एरिया दिया है या तो इधर का एरिया दिया है और कित किस वैल्यू पर आपको किस पे देखना पड़ेगा 0.58 मतलब 55 और 60 के बीच में अब प्रॉब्लम ये है आपको एक साइड का एरिया दिया है इट मीनस इधर का एरिया दिया है तो मुझे इसको कैसे निकालोगे उसने इधर का एरिया दिया और मुझे ये वाला चाहिए क्यूमिटिव एरिया चाहिए तो क्या वन में से माइनस करना पड़ेगा यस yes, मुझे वन में से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये टेबल की वैल्यू कितनी होती है वन तो मुझे अगर वन माइनस पॉइंट टू नाइन वन टू करूँगा तो ये मुझे चाहिए सेवन जीरो एट एट मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं उसने यहां का एरिया दिया टू नाइन वन टू और मुझे कौन सा एरिया चाहिए मुझे चाहिए ये वाला सारा एरिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी पॉइंट सेवन जीरो कभी भी बी एस एम में हम एरिया देखते हैं हालांकि सर जो है वो उसकी वैल्यू तो नहीं दिया अगर ध्यान से देखो तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए मुझे चाहिए पॉइंट फाइव एट टू जीरो आप तो सर 0.55 के ले रहे बट मुझे इंटरपोलेट करना पड़ेगा 0.55 पर इतना है 0.60 पर इतना है तो उन दोनों के बीच का लेना पड़ेगा इट मींस 0.60 पे भी देख लेते हैं कि कितना एरिया आ रहा है तो तो वन साइड ये 0.60 तो 1 0.2743 तो आ गया 0.72 57 और मुझे कौन सा वैल्यू चाहिए 0.58 मतलब इन दोनों के बीच का

इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा पॉइंट टू नाइन नाइन टू तो फिर से मुझे टू नाइन नाइन टू किस के बीच में आएगा ये और ये इन दोनों के बीच में आएगा मतलब वन से माइनस करने के बाद जो भी आएगा बस बात इतनी समझना कि बी एस एम में हमको कौन सा एरिया चाहिए क्यूमुलेटिव एरिया चाहिए ठीक है सर तो एन डी वन की और एनडी टू की वैल्यू निकल गई यस yes, फिर तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है सीधा फॉर्मूला है हमारे पास कोई दिक्कत की बात नहीं है सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा चेक करो फॉर्मूला अस्सी एटी इंटू एनडी वन पहले निकाल चुके हैं सेवेंटी फाइव उसका प्रेजेंट वैल्यू कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग होके और एनडी टू का वैल्यू निकल चुका तो आ गया थर्टीन पॉइंट नाइन सिक्स कोई दिक्कत नहीं डिटेल में समझना है डिस्क्रिप्शन में जाओगे ओके सर ये टीचिंग नोट्स क्या दे रखा <coughs> टीचिंग नोट्स में ये लिखा हुआ है सर वो बोल रहा है कि देखो सर ठीक है ये क्वेश्चन अच्छा इसमें आपको वन साइड का एरिया दिया इधर का एरिया दिया लेकिन कभी कभी टेबल में हो सकता है पूरा की पूरा एरिया दे दे इट मीनस क्यूमिटिव एरिया दे क्यूमिटिव एरिया दे देते दे। मुझे जो लग रहा है मुझे वही मिल गया सुनना यहां से मुझे क्या चाहिए मुझे ये वाला एरिया चाहिए सेवन जीरो एट एट और किस्मत सेवन जीरो एट दे दे तो जबरदस्ती फिर वन से माइनस मत करना इट मीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपको देखना पड़ेगा कि एरिया लेफ्ट या राइट का दिया है या फिर आपको टेबल में एरिया क्यूमिलिटी अगर क्यूमिलिटी एरिया दिया है तो भाई ये उठाकर लिख लेना सीधा सीधा आगे और भी बोला बोले ऐसा भी हम दे सकते हैं ठीक है भाई दे देना अच्छी बात है दूसरा और आगे क्या बता रहा बोले कभी कभी हम दोनों साइड का एरिया दे सकते दोनों साइड का मतलब मतलब सुनो बेटे ये होता तो उसने पिछली बार इधर का एरिया दिया था कितना दिया था पॉइंट पॉइंट फाइव फाइव की बात करो तो इधर का एरिया दिया था जीरो पॉइंट टू नाइन वन और वो इधर का भी एरिया ऐसे दे दे पॉइंट टू नाइन वन टू इन दोनों को जोड़ के और जबकि मुझे जो एरिया चाहिए मुझे ये वाला एरिया चाहिए cumulative. अब और आपको क्या दे दिया आपको ये दोनों जोड़कर दे दिया दोनों को जोड़ते देखते कितना आ रहा पॉइंट टू नाइन वन टू प्लस पॉइंट टू नाइन वन टू तो ये आ गया 0.5824 फिर क्या करता फिर कुछ नहीं करता अगर ये दिया रहता तो इसको डिवाइड किससे पॉइंट फाइव एट टू फोर ये देखो बेटी ये दिया पॉइंट फाइव एट टू थ्री दिया ना एरिया ऑफ द लेफ्ट एंड राइट लिखा एंड राइट right. तो फिर मुझे डिवाइड किससे करना पड़ता टू से डिवाइडेड बाय टू करता तो फिर यही वाला मिल जाता ये वाला पर मुझे तो ये वाला एरिया चाहिए तो फिर किससे माइनस मैन, करता वन से माइनस करता तो फिर आंसर आ जाता सर थोड़ा सा टेक्निकल है सारी चीजें समझ में आ नहीं आई हैं, आप भी नहीं सकती लंबा लेक्चर से आराम से देखना पड़ेगा खैर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था ऑप्शन का वैल्यू निकालना था हमें काम काम की चीज क्या थी इसमें एस उसको मतलब एस का मतलब स्टॉक का प्राइस मल्टीप्लाई करते एनडी वन से एक्सरसाइज प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू उसको मल्टीप्लाई किससे करते एनडी टू से इंपॉर्टेंट है डी वन और डी टू निकालना ठीक है तो अच्छा क्वेश्चन था बड़ा क्वेश्चन है ये बीएसएम का बीएसएम के क्वेश्चन कम आते हैं पर आ भी सकता अब अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर सेवन अब मैंने पिछला जो भी पढ़ाया हूं क्वेश्चन नंबर सेवन में भी काम आने वाला है समझते हैं सर ये भी क्या डेरिविटी से है यस yes, फ्यूचर से क्वेश्चन है फ्यूचर से चेक करें क्या है ऑन जनवरी टू थाउजेंड एटीन एन इन्वेस्टर हैज ए पोर्टफोलियो कितने पास शेयर्स इसके पास ए बी सी डी ई शेयर का प्राइस दिया है नंबर ऑफ शेयर्स दिया बीटा दिया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू दी इन्वेस्टर टेन पॉइंट फाइव परसेंट पर एन एम पहला बीटा पोर्टफोलियो ये तो बच्चों वाला काम हो गया पहले भी कर चुके हैं बीटॉप पोर्टफोलियो टेबल बना के किया प्राइज लिख दिया और शेयर्स लिख दिया वैल्यू लिख दिया वेट लिख दिया बीटा लिख दिया और ये बीटा ऑफ़ पोर्टफोलियो निकल गया कुछ नहीं था बिल्कुल पहले भी कर चुके थे बीटा ऑफ़ पोर्टफोलियो ओके okay. आगे क्या लिखा है द थ्योरिटिकल वैल्यू ऑफ निफ्टी फ्यूचर ऑफ फैब टू ओके सर याद करवाता हूं मैं सर एफ निकाला जाता था यस yes. फॉर्मूला क्या होता था एस जीरो इंटू ई पावर आर टी और माइनस स्पॉट प्राइस हो गया माइनस क्या करेंगे डी डिविडेंड तो है ही नहीं है तो मुझे निफ्टी का आज का प्राइस चाहिए मुझे कब का प्राइस निकालना फेब 2018 का तो सर आज का प्राइस आज का प्राइस आज का प्राइस तो सर ऊपर वाले दो पॉइंट में तो आज का प्राइस नहीं दिया यही तो प्रॉब्लम है उस भाई साहब ने थर्ड वाले पॉइंट में करंट निफ्टी प्राइस दे रखा था नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम निफ्टी द इन्वेस्टर नीड टू सेल फाइव फॉर इफ द करंट वैल्यू ऑफ निफ्टी कर यही प्रॉब्लम है उन्होंने ऊपर ही दे देना था ना यार करंट प्राइस ऑफ निफ्टी उन्होंने पॉइंट नंबर थर्ड में दिया करंट प्राइस ऑफ निफ्टी ठीक है फिफ्टी नाइन हंड्रेड यहां तक तो बात हमारे समझ में आ रही है फिफ्टी नाइन हंड्रेड ओके अब सर ये बताओ कि ये क्या चक्कर है बस यही समझना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है टेन पॉइंट फाइव परसेंट अच्छा मुझे आज आज मतलब आज क्या है जरा देखना पड़ेगा आज की डेट कौन सी है इसके हिसाब से आज की डेट है फर्स्ट जनवरी फर्स्ट जनवरी तो कब तक की बात हो रही है जनवरी फेब कितने दिन हुए सर थर्टी वन डेज तो जनवरी के ले लो और अट्ठाईस दिन वहां के ले लो तो फिफ्टी एट डेज के आसपास उन्होंने लिया फिफ्टी एट डेज ओके सर अब मैं आपको कुछ चीज बताने जा रहा हूँ फिर से समझना अभी एक बात बताऊँ फिर से ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो बाद में समझेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है टेन पॉइंट फाइव परसेंट क्या फिफ्टी एट डेज का निकाल सकते हो हाँ सर निकाल लेंगे फिफ्टी एट डेज का लेकिन एक बात मैं आपसे बोल रहा हूँ मान लो मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ इंपॉर्टेंट है किस रेट पर कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग होकर ये जो फैक्टर आया ये आया टेन पॉइंट फाइव परसेंट या फिर मैं आपसे सीधा बोलूँ वन पॉइंट वन जीरो फाइव इसका आपको नेचुरल लॉग निकालना है तो अभी निकाला था बी एस एम पढ़ते वक्त कैसे निकाला था हां सर हमने क्या किया था वन पॉइंट वन जीरो फाइव स्क्वायर रूट कितने बार किया था बारह उसके बाद क्या किया था माइनस क्या किया था वन और इंटू क्या किया था फोर जीरो नाइन सिक्स तो आंसर आ जाएगा वन पॉइंट वन जीरो फाइव एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह माइनस वन इंटू फोर जीरो नाइन सिक्स आंसर आ गया बेटे जीरो जीरो पॉइंट नाइन नाइन एट इस रेट पर कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग होकर ये वाला फैक्टर आया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, का मतलब कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग होकर आया ऐसा माना गया क्योंकि ये गिवन करके दिया बस इतना में बोल रहा हूं ये देखो बेटे वैल्यू कितना दिया अच्छा, तो ये है, और मुझे कितने दिन का निकालना फिफ्टी एट डिवाइडेड बाई थ्री सिक्सटी फाइव तो क्या है तो फिर मेरा आंसर आ गया फिफ्टी एट डेज का निकाल लो कितना आता है तो ये आ गया पॉइंट नाइन नाइन एट इन फिफ्टी एट डिवाइडेड बाई थ्री सिक्सटी फाइव तो ये आ गया बेटा जीरो पॉइंट वन फाइव एट फाइव एट अब इसका कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग होकर ये आ रहा है फैक्टर हालांकि आप निकाल सकते हो पर ये फैक्टर आ रहा है वन पॉइंट जीरो वन फाइव नाइन एट और हमको सीधा 5900 को मल्टीप्लाई करना है तो ये आ गया मेरा फ्यूचर फाइव फाइव नाइन नाइन फोर तो क्वेश्चन को वहीं वहीं घुमाया गया क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं थी बस वो कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग यूज किया गया नेचुरल लॉग यूज किया गया बहुत सारी चीजें यूज किया गया तो पहले वाले पॉइंट तो अभी देखा जाए तो हमारे कितने पॉइंट हो चुके हैं फर्स्ट पॉइंट कर लिया सेकंड पॉइंट कर लिया थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है एफ निकालना थियोरिटिकल वो भी निकाल लिया इट मींस हमारा फर्स्ट हो गया सेकेंड हो गया थर्ड पॉइंट पे हैं चलो जी थर्ड पॉइंट में क्या बोला The number of contracts of Nifty the investor need to sell to get a full has Hashtag full hashtag. Until Feb, for is portfolio of the current value of Nifty 5900. And Nifty future has a minimum trade requirement of 200 units. Assume that future are trading at their fair value. Okay. Absolutely. साहब ऐसा है कि आपके पास पोर्टफोलियो कितने रुपए का है सर पोर्टफोलियो है हमारे पास वन एट एट फाइव फोर एट सिक्स जीरो ये पोर्टफोलियो अभी क्या है आप क्या चाहते हो ये खरीदा है खरीदा सोलो आपका पोर्टफोलियो बना हुआ है आपने शेयर खरीद के रखा अपने पास अगर शेयर खरीद कर रखा है तो आपको किस बात का डर है सर खुश खुशी किस बात में होगी सर शेयर का प्राइस बढ़े डर किस बात का सर अगर डाउन हो गया तो लॉस है तो फ्यूचर का मतलब होता है हेजिंग का मतलब होता है जिस बात का डर उसी में बैटिंग कर लो इट मीन्स आप शॉर्ट पोजिशन ले लीजिए आप अभी लॉन्ग हो आपने शेयर खरीद के रखा आप चाहते हो कि शेयर का प्राइस बढ़े तो डर जिस बात का डर किस बात का कि यार कहीं कम हो गया है तो एक काम करो ना बैटिंग कर लो ना यार फ्यूचर में कम होगा तो प्रॉफिट कमा लेना इधर हो आपको कितना लगाना? करना है, तो आपको पुरा की पुरा पैसा वहां लगाना पड़ेगा फ्यूचर में बैटिंग करना पड़ेगा शॉर्ट पोजिशन लेना पड़ेगा मतलब ये सारा पैसा यस इतना ही रुपए आपको वहां लगाना पड़ेगा ओके अब वो पूछ रहा हैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो एक काम करो कितना रुपया लगाना इतना एक निफ्टी कितने का है सर एक निफ्टी आज का देखना है कि फ्यूचर का फ्यूचर का भाई सर एक निफ्टी फ्यूचर का एक्चुअल वैल्यू तो नहीं मालूम पर जो थियोर वैल्यू है वही ले लेते हैं यस तो डिवाइडेड बाय ले लेते हैं ठीक है सर ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा नंबर ऑफ या नंबर ऑफ शेयर्स बोलते हो ना आप मान लो नंबर ऑफ शेयर्स और एक बार में कितने शेयर्स एक कॉन्ट्रैक्ट में कितने शेयर्स दो सौ तो क्या नंबर ऑफ कॉन्ट्रेक्ट निकला क्या जाएगा यस yes, कुछ भी नहीं करना अच्छा पर एक बात है आपको बीटॉप आप पोर्टफोलियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर बीटॉप पोर्टफोलियो से क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बीटा का मतलब क्या होता है, बीटा का मतलब? सर, बीटा का मतलब होता है अगर मार्केट उठेगा मार्केट बढ़ेगा तो हमारा जो पोर्टफोलियो वो भी बढ़ेगा पर इक्वल नहीं अगर इक्वल होता तो इन टू वन हो जाता इक्वल नहीं अगर मार्केट गिरेगा तो पक्का हमारा पोर्टफोलियो भी गिरेगा पर इक्वल नहीं पॉइंट एट पॉइंट एट मार्केट एक परसेंट से डाउन तो ये पॉइंट एट परसेंट से डाउन इसलिए मुझे बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैंने कहा ना डिटेल डिस्कशन नहीं हो सकता सर टाइम का प्रॉब्लम है नहीं तो ये तो बहुत ये क्वेश्चन बेहतरीन है इसमें हर चीज कवर किया गया ओके हालांकि जिन्होंने फॉर्मूले पे जाना है तो फॉर्मूला भी उन्होंने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत और सर फॉर्मूला क्या था अगर मैं फॉर्मूले पे जाऊं तो फॉर्मूला ऐसा है नंबर ऑफ कॉन्ट्रेक्ट इज इक्वल वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू बीटी माइनस बीपी एफ इनटू एम इनटू बीटा ऑफ फ्यूचर ठीक है ये फॉर्मूला जिन्होंने मेरी क्लास किया वो लॉजिक के साथ उनको मालूम है कि इस फॉर्मूले का क्या इंटरप्रिटेशन है किस तरह से आ, डेरिवेशन किया गया ओके okay. तो भाई कितने कॉन्ट्रैक्ट आ गए थर्टीन और फोर्टीन कॉन्ट्रैक्ट क्या करोगे लॉन्ग की शॉर्ट 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 आगे पॉइंट नंबर नंबर लास्ट ऑफ़ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट द इन्वेस्टर शुड ट्रेड इफ डिजायर टू रिड्यूस द बीटा कितना बीटा करना है पॉइंट सिक्स अगर पॉइंट सिक्स करना तो बस यहां पॉइंट सिक्स कर लीजिए बीटॉप पोर्टफोलियो कितना पॉइंट एट 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 फोर नाइन ये आगे बाकी वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो वही रहेगा बाकी सारी चीजें वही रहेगी इट मींस बीटा जो है आपको कितना करना करना तो आंसर कितना जाएगा जाएगा टू कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट मेरे ख्याल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी मुझे डिस्क्रिप्शन में डालना चाहिए तो कोशिश करूंगा अगर होगा मेरा यूट्यूब में तो मैं पक्का डाल दूंगा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा सारी कॉन्सेप्ट ओके सर अब हम आगे चल रहे हैं अगले क्वेश्चन ट्राइंगलर आर्बिट्रेस फॉर एक्स का क्वेश्चन है ट्राइंगुलर आर्बिट्रेस का और इसमें होता क्या ट्राइंगर आर्बिट्रेस में आपको एक करेंसी दी होती है सपोज यहां कौन सी करेंसी दिया हुआ है हमको हमको डॉलर दिया है तो क्या होता क्या आपके पास डॉलर रखे हुए हैं आप जगह जगह जाओगे इट मीनस डॉलर है तो डॉलर लेके पहले कहां जाओगे मुंबई में जाओगे रुपया में कन्वर्ट कराओगे रुपए से फिर किस में कन्वर्ट कराओगे पाउंड में कन्वर्ट कराओगे अब पाउंड से किस में वापस कन्वर्ट करोगे डॉलर में डॉलर को बेचकर कहीं कहीं घूमकर वापस डॉलर में कन्वर्ट करवा रहा से पाउंड पाउंड से रुपीज और रुपीज से डॉलर इट मीनस दिस इज ट्राइंगुलर आर्बिट्रेज आपके पास करेंसी कौन सी है डॉलर डॉलर से किस पे जा सकते हो रुपीस रुपीज से फिर कन्वर्ट किस में करवाओगे पाउंड पाउंड से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये सब पढ़ा होगा आपने ठीक है सर तो पता कैसे लगाए कि डॉलर से रुपीज या फिर आप कैसे कर सकते हो आप डॉलर 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 से पाउंड पाउंड से रुपीस और रुपीस से वापस डॉलर डॉलर से खत्म होकर डॉलर पे ही आपको डॉलर से स्टार्ट करके डॉलर पे ही खत्म करना पड़ेगा सर तो हम लोगों को ऐसे जाना चाहिए या ऐसे जाना चाहिए पता कैसे लगेगा दिस इज क्रॉस रेट क्रॉस रेट से पता लगा लो या ट्रायल एंड एरर मेथड में तो क्रॉस रेट के थ्रू करूं तो बिल्कुल ध्यान से मना ये रेट दिया है ये क्या दिया है डॉलर पर पाउंड याद रख लो याद ये जो है ये आपका आईएसओ कोड है इसको कैसे पढ़ा जाएगा डॉलर वन इसको वन वन होगा ये वन इज इक्वल टू इतना रुपीस आईएसओ कोड इक्वल टू इतना रुपीस उसको मैं ठीक ठाक लिख रहा हूं इसका मतलब क्या पाउंड वन इज इक्वल टू इतना डॉलर मतलब डॉलर पर पाउंड वन पॉइंट सिक्स टू थ्री वन ये दिया हुआ है. यहां का रेट, कहां का रेट दिया न्यूयॉर्क ऐसी रेट में इन दोनों को क्रॉस रेट से यही वाला इसी डॉलर पर पाउंड ही निकालने की कोशिश करूंगा इट मीन्स एक तो मुझे दिया है रुपीस पर डॉलर फोर्टी एट पॉइंट थ्री जीरो और दिया रुपीस पर पाउंड वन पॉइंट सिक्स टू थ्री वन और मुझे क्या निकालना है डॉलर पर पाउंड तो सीधी सीधी बात है ये कैसे हो जाएगा नहीं ये गड़बड़ा है हाँ जी अब ध्यान से समझो मेरी बात कि मुझे क्या दिया हुआ मुझे ये चाहिए एक तो ये काम की चीज़ है रुपीस पर डॉलर दिया है फोर्टी एट पॉइंट थ्री जीरो और क्या दिया है रुपीस पर पाउंड दिया है कितना सेवनटी सेवन पॉइंट फाइव टू और मुझे क्या चाहिए डॉलर पर पाउंड ये तो सीधा सीधा दिख रहा है सेवनटी सेवन पॉइंट फाइव टू डिड बाई फोर्टी एट पॉइंट थ्री जीरो कितना आ रहा देख लेतेवनटी से तो ये आंसर आ गया वन पॉइंट सिक्स जीरो फोर नाइन फाइव जीरो अब एक बात बताऊं अगर मैं यहां देख रहा हूं तो यहां आ गया वन पॉइंट सिक्स टू थ्री वन और इन दोनों को देख रहा हूं तो पाउंड का रेट कितना हो रहा वन पॉइंट सिक्स जीरो फाइव जीरो तो भैया ऐसा है कि डॉलर किधर कन्वर्ट करना चाहोगे सिंपल सी बात सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो यहां से पाउंड खरीदिए सस्ते में और यहां में और पाउंड बेच दीजिए महंगे मतलब काम कहां से स्टार्ट होगा काम मुंबई से स्टार्ट होगा इट मीन अब मैं सीधा डॉलर से पाउंड कन्वर्ट नहीं करूंगा पहले डॉलर से रुपीज रुपीज से पाउंड डिटेल में कॉन्सेप्ट है ट्राइंगर ऑर्बिटरीज का और जिनको ये समझ में नहीं आता ना क्रॉस रेट भाई ऐसा है कि पहले ऐसे कर लेना फिर ऐसे कर लेना जिसमें भी आंसर ज्यादा आएगा एक में प्रॉफिट होगा एक में लॉस होगा जिसमें प्रॉफिट होगा उसको शो कर देना पर फिर से क्या रूट पता लगाया जा सकता है यस क्रॉस रेट से और क्रॉस रेट से मैंने रूट पता लगा लिया कि भाई इधर से जाता हूं तो मुझे पाउंड वन का पड़ रहा अगर ऐसे जा रहा हूं तो पाउंड वन पॉइंट सिक्स टू थ्री वन का तो मुझे डॉलर देके पाउंड ही तो खरीदना है वो बताओ कहां से खरीदोगे यहां से खरीदोगे और यहां बेच देना खत्म इट मीन स्टार्ट कहां से होगा मुंबई से वही किया है और फिर एक्सप्लेनेशन तो दे ही सकते हैं कि क्या करोगे रुपया खरीदोगे किससे डॉलर से तो रुपया खरीदोगे तो इतना रुपया आपको मिल जाएगा और फिर रुपीस को डॉलर से रुपया रुपया से क्या करोगे पाउंड में कन्वर्ट कर दोगे तो इतना पाउंड आ जाएगा और फिर पाउंड से वापस किया जाएगा डॉलर तो पाउंड को कन्वर्ट करोगे किस में डॉलर में तो इतना डॉलर आ जाएगा आपने लगाया कितना था दस लाख आया इतना तो नेट गेन कितना का हो गया आपका वन वन टू नाइन सिक्स एट तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर एट आर्बिट्रिस ट्राइंगुलर आर्बिट्रिस का क्वेश्चन था ठीक है जी ओके अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तो अब ये नया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन ये भी फॉरेक्स का है अच्छा क्वेश्चन है इसमें करेंसी फ्यूचर है इनवॉइसिंग है फॉरेक्स और डेरिवेटिव को मिक्स करके क्वेश्चन है और प्रैक्टिस का क्वेश्चन है बस थोड़ी बहुत गलती आरटीपी में क्वेश्चन डालते वक्त कर दिया है और दिमाग फिर घुमा दिया प्रैक्टिस में जरा पढ़ते क्या लिखा हुआ लिखा नाइट्रोजन लिमिटेड यूके 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 कंपनी कंपनी में तो पाउंड चलता है हा इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन एंड ऑर्डर अमाउंटेड टू मिलियन यूरो और कहां से जर्मन से मेरी कंपनी कहाँ है यूके सामने वाला कहाँ है जर्मनी मेरी करेंसी कौन सी है पाउंड जहां से मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे मिलने वाला है और मुझे क्या मिलने वाला है यूरो कितना यूरो फोर मिलियन यूरो मिलने वाला है और कब मिलने वाला है छह महीने बाद मुझे यूरो मिलने वाला है तो मुझे किस बात का डर जो मिलेगा उसको मैं कन्वर्ट कराऊंगा ओहो तो मुझे किस बात का डर है मुझे इस बात का डर है कि यूरो का रेट कम ना हो जाए कास मैं सामने वाला जो जर्मनी कस्टमर है ना मैं उससे मैं ये बोलता कि सुनो ना आप पाउंड में ही पेमेंट कर देना मैं ऐसा भी तो बोल सकता था कि जो इन्वाइसिंग है जो बिलिंग है वो पाउंड में बनाइए भैया बात खत्म हमको मतलब ही नहीं आपके यूरो से आप जानो आपका प्रॉब्लम हमें पाउंड में पेमेंट चाहिए दैट्स इट फिर तो कोई रिस्क ही खत्म हो जाता लेकिन जो इनवॉइसिंग है जो पैसा आने वाला वो तो यूरो में आने वाला है ना हमारे पास ये प्रॉब्लम है अच्छा आगे इफ सक्सेसफुल दिस विल बी द फर्स्ट टाइम दैट्रोज एन लिमिटेड हैज एक्सपोर्टेड इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्टेड कर रहा है गुड्स द दाइली कॉम्पिटेटिव जर्मन मार्केट द फॉलोइंग द्री अल्टरनेटिव मैनेजिंग द ट्रांजेक्शन रिस्क तीन टाइप का रिस्क होता है ट्रांजेक्शन ट्रांसलेशन एंड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रिस्क की बात हो रही है अब भाई ट्रांजैक्शन रिस्क वही है कि आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना उसकी वजह से उससे बचने के लिए बोले आप तीन काम कर सकते हैं इनवॉइस द जर्मन फर्म इन पाउंड यूजिंग द करंट एक्शन रेट यूजिंग द करंट एक्शन रेट टू कैलकुलेट द इनवॉइस अमाउंट पहला बोल रहा है कि साहब आप एक काम करो जो जर्मनी का कस्टमर है ना आपको बस प्रॉब्लम किस रिस्क किस चीज का है सर रिस्क इज बात का है कि जो यूरो आने वाला है छह महीने बाद उसको हमको पाउंड में कन्वर्ट करवाना कहीं रेट में कुछ गड़बड़ हुआ तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे तो बस यही है कि आप सामने वाले से यूरो मत आप सीधा बोलो कि आप पाउंड में पेमेंट कर देना बात खत्म इनवॉइसिंग किस किस बिलिंग में बनाइए पाउंड में दूसरा अल्टरनेटिव इनवॉइसिंग आप यूरो में ही कीजिए बिल यूरो में बनाइए पर आप फॉरवर्ड कवर कर लीजिए फॉरवर्ड कवर में तो हम एक्सपर्ट हैं तीसरा इनवॉइस जो है वो यूरो में ही बनाइए लेकिन आप फ्यूचर कवर में जा सकते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में टू हैज ट्रांजैक्शन रिस्क तीन इन ही आप पाउंड बना लो दूसरा फॉरवर्ड कवर तीसरा फ्यूचर कवर देखते हैं कुछ डेटा दे रखा है रेट वो पाउंड का रेट दिया हुआ भाई पाउंड का Euro, यहां खेल खेल लिया बेटे आईसीए ने जब आप पीएम देखोगे ना तो पीएम में ऐसा नहीं लिखा है पीएम में तो कुछ और है पीएम में ऐसा लिखा है पॉइंट सिक्स जीरो जीरो पॉइंट फाइव फाइव प्रैक्टिस मैनुअल में इस तरह से लिखा हुआ है और यहाँ इस तरह से उन्होंने आर में डाला इसकी वजह से हमारी बैंड बज गई यहाँ सोल्यूशन में कुछ और ही है हम बड़े दिक्कत में आ जाएंगे बच्चों के डाउट्स आने लगे कि सर आर में पता नहीं ये किस टाइप से कर रखा है मिस्टेक कर दिया आगे मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज करेंसी ट्रेडिंग ये फ्यूचर का प्राइस दिया हुआ है ठीक है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का साइज दिया पाउंड में दिया है और स्पॉट रेट एंड सिक्स मंथ अच्छा यही स्पॉट रेट है और यही सिक्स मंथ फ्यूचर रेट ठीक कैलकुलेट द पाउंड रिसिप्ट ऑफ नोजन लिमिटेड अंडर ईच ऑफ द थ्री प्रपोजल ठीक है पहला इनवॉइसिंग अब मैं इनवॉइसिंग किस में बनाऊं पाउंड में अब मैं ये सोचता हूं यार आने वाला है क्या आने वाला है यूरो आने वाला है मान लो यूरो आता यूरो आता तो मैं बैंक के पास जाता बैंक को यूरो दे देता और बैंक से पाउंड खरीद लेता अगर मैं और रेट देखो करंट स्पॉट रेट कहीं ना कहीं ये दिया स्पॉट रेट करंट स्पॉट रेट अगर मैं कौन सा रेट लिया जाए 1.1750 या 1.7770 कौन सा रेट जरा सोचते हैं यूरो आता कस्टमर के पास कस्टमर यूरो देता और बैंक क्या करता बैंक पाउंड बेच देता अच्छा सर तो और रेट किसका दिया है पाउंड का तो पाउंड का ये वाला रेट हमको उठाना था बैंक अगर बैंक तो महंगे में बेचता है बैंक अगर पाउंड बेचता तो इस रेट पे बेचता तो जो इनवॉइसिंग होगी फोर मिलियन को डिवाइड करेंगे आस्क रेट से तो इनवॉइसिंग पाउंड में कर देंगे और इतना पाउंड हमको मिल जाएगा बात खत्म ठीक है सिंपल दूसरा फॉरवर्ड कवर में चाहिए सर फॉरवर्ड कवर में क्या होता है फॉरवर्ड कवर में हम छ महीने बाद का देखेंगे और छह महीने बाद का रेट प्रीमियम दिया है यहां प्रॉब्लम है अगर मैं इसको इग्नोर कर दू ये कुछ नहीं दिया है तो मैं पॉइंट सिक्स जीरो प्लस कर देता खिल खत्म हो जाता असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर और प्रीमियम दिया तो प्लस होना ऐसा मानना है लोगों का तो पॉइंट सिक्स है तो पॉइंट सिक्स प्लस कर देता बात खत्म पर क्या हुआ कि यही गलत लिख दिया भाई ये एक्चुअल में ऐसा लिखा पॉइंट सिक्स जीरो और पॉइंट फाइव फाइव ये एक्चुअल में प्रैक्टिस मैनुअल में ऐसा लिखा इट मीनस लेना तो आज की रेट है और मुझे पॉइंट जीरो फाइव फाइव जीरो जीरो फाइव फाइव प्लस करना पड़ेगा सर प्लस क्यों करना पड़ेगा माइनस भी तो पहली बात अच्छे से समझो। लो no नो डाउट प्रैक्टिस यहाँ आर में गलती हो गई है ये ऐसा ना लिखा होना चाहिए ऐसा लिखा होना चाहिए तो सर फिर तो माइनस करना पड़ चाहिए क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में यस माइनस करना चाहिए और प्रैक्टिस मैनुअल ने अल्टरनेटिव आंसर भी दे रखा है माइनस करके पर एक उन्होंने एक लॉजिक ये बताया देखिए सर प्रीमियम दिया हुआ प्रीमियम दिया तो हमेशा प्लस ही होगा चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सर पहली बात तो ये लिखा ही गलत है इसको मैं इग्नोर कर रहा कि माइनस करना है कि प्लस करना है दोनों अल्टरनेटिव दे है प्रैक्टिस में प्लस करके भी दिखाया इसके बाद एक माइनस करके दिखाया अगर प्रीमियम दिया है तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है सीधा प्लस कर दो दूसरी बात या फिर सब कुछ भूल जाओ डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो क्या कर दो माइनस दोनों ही चल सकते हैं और मैंने क्या किया मैंने प्रीमियम को इग्नोर किया मैं असेंडिंग डिसेंडिंग के हिसाब से काम कर दिया पर फिर भी हम प्रैक्टिस मैनुअल के हिसाब से चल रहा है प्रीमियम दिया है तो इसलिए यहाँ क्या कर दिया प्लस फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए तो यह आ गया वन पॉइंट वन एट टू फाइव और फॉरवर्ड कवर करेंगे जो यूरो आएगा उसको बेचेंगे तो हमें इतना पाउंड मिल जाएगा ठीक है यहां तक यस अब किसकी बात है अब है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दो चीजें हो गई इनवॉइसिंग हो गया और क्या हो गया फॉरवर्ड कवर हो गया अब किसकी बात करो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की अब सुनना ध्यान से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मैं स्टॉक एक्सचेंज में बैटिंग करूंगा और जिस बात का डर है उसमें बैटिंग करूंगा ये मतलब होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का सोचो क्या आने वाला है सर यूरो आने वाला है किस बात का डर है सर यूरो के गिरने का डर डाउनसाइड बेटिंग पर रेट किसका दिया पाउंड का दिया मतलब सर पाउंड के बढ़ने का डर मतलब अपसाइड बेटिंग अपसाइड बेटिंग को क्या बोला जाता है बाय अपसाइड बेटिंग मतलब बाय और जिनको ये बातें समझ में नहीं आती अपसाइड बेटिंग डाउनसाइड बेटिंग वो सिंपल सी बात एक बात समझ लो रेट किसका दिया पाउंड का ना यूरो आएगा यस बैंक यूरो खरीदेगा यस yes. और पाउंड बेचेगा हां सर इसका मतलब है बैंक जो कस्टमर है वो पाउंड खरीदेगा यस तो कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का करेगा कॉन्ट्रैक्ट बाय का करेगा और उसको काटने के लिए तीन माह बाद सेल कर देगा बात खत्म हो जाएगी ओके आप जैसे भी समझते हो वैसे करेंसी फ्यूचर के भी मेरे कॉन्सेप्ट के साथ लेक्चर डाले हुए तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ओके सर तो अब क्या किया उन्होंने सबसे पहले किस रेट पे फ्यूचर का रेट है ये है वन पॉइंट वन सेवन सिक्स जीरो उन्होंने फोर मिलियन यूरो से पाउंड में कन्वर्ट करवा दिया और पाउंड ये पाउंड कॉन्ट्रैक्ट है तो यहां नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गए अप्रॉक्स फिफ्टी फोर कॉन्ट्रैक्ट बात हो गई फिफ्टी फोर कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड पाउंड का तो ये आ गया और बैटिंग क्या हुई है अपसाइड बैटिंग अब आपने बाय किया इस रेट पे जिस रेट पे कॉन्ट्रैक्ट किया था और इस रेट पे सेल कर दिया जो यहां रेट था यही स्टॉक एक्सचेंज में भी रेट रहा होगा और फाइनली आपको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो गया इतने का और सिंपल सी बात है मैं क्या बोल रहा हूं अपसाइड मतलब रेट बढ़ने से फायदा और रेट बढ़ा तो मेरा फायदा हो गया और कितने यूरो का फायदा हो गया इतने यूरो का फायदा हो गया मेरा कितना एट फोर थ्री एट यूरो का फायदा हो गया ठीक है तो फाइनली अब मुझे क्या मिलेगा एक तो उधर से जो यूरो आ रहा था वो मिलेगा प्लस स्टॉक एक्सचेंज से जो प्रॉफिट हो रहा है वो यूरो मिलेगा और जो यूरो यूरो मिलेगा उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा और किस रेट पर कन्वर्ट हो जाएगा वो ये कन्वर्ट हो गया उस दिन का जो भी रेट रहा होगा फ्यूचर में उस पर मैंने कन्वर्ट कर दिया और ये आंसर आ गए तो बताइए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है ऑप्शन सी बेस्ट है ये आ गया इट मीनस इसमें तीनों चीजें कवर थी इनवाइसिंग भी था फॉरवर्ड कवर भी था फ्यूचर कॉन्टर ठीक है जी अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट से इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट हाँ जी, अब सुनना यहां से इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होता क्या है मैं इंडिया से हूं नेपाल में मैं प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ नेपाल में ही होगा ना यार हाँ नेपाल में मैं प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ अगर मैं नेपाल में प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ तो मुझे वहाँ की करेंसी लगेगी यस ओके लगा दीजिए इट मीन्स मैं यहाँ से रुपया से सबसे पहले नेपाली करेंसी जो है उसमें कन्वर्ट करके वहाँ पैसा लगा दूंगा और फिर फ्यूचर में मुझे जो नेपाली करेंसी मिलेगी उसको एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट करके एन पी में निकालूंगा सीधी सीधी बात है ये तो हमको आता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या बोल रहा है जरा पढ़ लेते हैं एक्स वाई जेड लिमिटेड एक कंपनी है कहां की है जी इंडिया की है मैन्युफैक्चर वेरी हाई क्वालिटी मॉडर्न फर्नीचर एंड सेल टू स्मॉल नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट इन इंडिया एंड नेपाल दो जगह बेचता भाई है, इंडिया में भी और नेपाल में भी मतलब दोनों जगह हो सकता ना यार कि इंडिया में भी कमाऊं और नेपाल से भी कमाऊं इट इज फेसिंग टफ कॉम्पिटिशन रेसेंट

कुछ कैश तो दे रखा है नॉमिनल टर्म में नेपाल में लगाओगे आज कितना पैसा जाएगा 25 मिलियंस और कितना आएगा 2.6 मिलियन 3.8 मिलियन 4.1 मिलियन इंडिया में कुछ भी नहीं जाना और कितना आएगा ये रुपीस में रुपीस में ठीक है इट मींस पैसा नेपाल में जा रहा है और जो माल बिकेगा वो आपको यहां से नेपाली करेंसी में इनकम होगी और यहां से इंडियन रुपीज में इनकम होगी उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे एक्स वाई जेड ऑल इन्वेस्टमेंट बाय यूजिंग डिस्काउंटिंग रेट कितना परसेंट लेना है लेनाट से आपको डिस्काउंटिंग करना है जितने भी नेपालीज कस्टमर है वो इन्वाइस कर रहे हैं किसमें नेपाली करेंसी में और नेपालीज करेंसी कैश फ्लो आर कन्वर्टेड टू इंडियन रुपीज एट द रेट एंड डिस्काउंटिंग किस रेट पे करोगे इंडियन रेट पे इन्फ्लेशन का रेट दे रखा है नेपाल का कितना नाइन परसेंट और इंडिया का कितना आठ परसेंट और आपको एक्शन रेट देखा रुपीज वन करेंट है नेपाली करेंसी वन पॉइंट सिक्स ठीक है एज डूंगट यू आर फाइनेंस मैनेजर ऑफ XYZ वाई जेट लिमिटेड कैलकुलेट द एन भी निकालेंगे मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो भी निकालेंगे और ये कुछ दिया हुआ है एक बात बताऊ सर करना क्या है करना कुछ नहीं है भाई बड़ा सिंपल है ये जो नेपाली करेंसी है इसको मुझे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपया में मुझे फर्स्ट ईयर का रेट चाहिए मुझे सेकंड ईयर का रेट चाहिए मुझे थर्ड ईयर का रेट चाहिए और रेट दिया नहीं है तो मुझे आई यूज करके काम करना पड़ेगा और आई का इक्वेशन क्या है मालूम है हाँ सर पता है एफ आर इज इक्वल टू एस आर इन टू वन प्लस इन्फ्लेशन का रेट वन प्लस इन्फ्लेशन का रेट अगर यहाँ नेपाली करेंसी है तो यहाँ भी नेपाली करेंसी का रेट आता है ठीक हाँ अगर मैं कहता तो हूं करंट रेट कितना 1.6 पॉइंट सिक्स ये कौन सी करेंसी है नेपाली तो ऊपर किसका रेट आएगा नेपाली करेंसी चेक करो नेपाल में इन्फ्लेशन का रेट कितना है नौ परसेंट तो यहां आ गया नौ परसेंट और इंडिया में कितना आठ परसेंट तो ये फर्स्ट ईयर का रेट आ गया फर्स्ट ईयर का रेट ऐसे फिर इसको हमने उठाकर यहां किया फिर वही तो ये आ गया सेकंड ईयर का फॉरवर्ड रेट और फिर इसको उठाकर हमने यहाँ किया फिर वही किया ये आ गया थर्ड ये आई नहीं आपने परचेसिंग पावर पैरिटी यूज करके रेट निकाल लिया अब क्या है पहले साल कितना जा रहा है आपका ट्वेंटी फाइव मिलियंस नेपाली करेंसी वन पॉइंट सिक्स से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ, आ गया आपका ऐसे टू पॉइंट सिक्स टू पॉइंट सिक्स नेपाली करेंसी और फर्स्ट ईयर का रेट दिया है उससे डिवाइड होगा तो ये आ गया ये आ गया ये आ गया सिंपल सी बात है ये किस में कन्वर्ट हो गया ये इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया ठीक है तो अब हमारे पास कैश फ्लो दो टाइप का हो गए यह कैश फ्लो कहा ये तो रुपीज में यह इंडिया से कमाया ये नेपाल से कमाया ये नेपाल में गया यह गया यह दोनों मिलाकर आया ये दोनों मिलाकर आया ये दोनों मिलाकर आया डिस्काउंटिंग रेट किससे करना नाइन परसेंट सिर्फ लिखा हुआ क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग किया तो एनपीवी नेगेटिव आ गया एनपी भी नेगेटिव आ गया तो सिंपल सी बात है प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए कि रिजेक्ट प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर आपने पढ़ा सर ये मोडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न कितना है क्या होता है बट एक बात बताओ मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न कॉन्सेप्ट नहीं जा कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन पे जा रहा हूँ बता आपका कितने साल का प्रोजेक्ट है दो साल तीन साल पहले साल टोटल मिलाकर कितना है फोर पॉइंट फोर सेवन नाइन 4.479 सर ऐसा है कि ये 4.479 को करोगे क्या इन्वेस्ट करोगे बस आप ये कहना चाहते हो कि आज कितना लगा रहे है फिफ्टीन और यहां मेरे पास कितना हो जाएगा तो जो पहले साल आएगा 4.479 उसको आप इन्वेस्ट कर दोगे कितने परसेंट पे इन्वेस्ट करोगे 9 परसेंट पे दो साल के लिए तो 1.09 पावर 2 दो साल सर दूसरे साल कितना आ रहा है दूसरे दूसरे साल साल चेक कर लो कितना आ रहा है? दूसरे साल आ रहा रहा है? है आपका और और इसको क्या करोगे? लास्ट में कितना आ रहा लास्ट में आपका आ रहा सेवन पॉइंट जीरो मल्टीप्लाई किससे कर लोगे वन पॉइंट वन एट एट ठीक है और जो 6.53 उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1.09 से इट मींस ये आ गया आपका ध्यान से समझना 7.09 5.3 ये कैसे आया सर तो ये सिंपल सी बात है 4.479 पॉइंट फोर सेवन नाइन इंटू कर लिया तो ये आ गया आपका और 6.53 1.09 किया तो ये आ गया 7. Point, और 7.09 तो है तो ये टोटल मिलाकर कितने साल बाद मिल रहा है तीन साल बाद तो अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब समझाओ आज कितना लगा रहा हूं आज लगा रहा हूं 15.625 कितने परसेंट रेट मिलेगा तीन साल के लिए जितना भी मिलेगा जिस भी रेट पर आपको फाइनली आंसर आना चाहिए नाइनटीन पॉइंट फाइव थ्री इस इक्वेशन को क्या डेटी पावर से सॉल्व कर सकते हो यस आंसर कितना आ जाएगा सेवन पॉइंट सेवन टू परसेंट डर्टी पावर समझते हो मेरे ख्याल से तो प्रॉब्लम नहीं है दिस इज मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोला जाता है आईआरआर में कुछ प्रॉब्लम्स है इसलिए ये लगाया गया री एजम्शन जो उसका री इन्वेस्टमेंट एजम्पन है ना वो रॉन्ग मान के चलते हैं हम लोग तो ये था क्वेश्चन और फॉरेक्स का क्वेश्चन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन था अब इसके बाद हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन हाँ जी अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन पर आ, ये भी प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है क्या यस सर ये भी प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है क्या लिखा है स्वैप का क्वेश्चन है स्वैप फाइनेंशियल स्वैप करेंसी स्वैप एक्चुअली लिखा हुआ है सर ए इन कॉरपोरेशन एंड बी इन कॉरपोरेशन इंटेंट टू बोरो डॉलर टू लैक इन येन भाई दो कंपनी ए इसको चाहिए डॉलर टू लैक और एक है बी इन कॉरपोरेशन इसको क्या चाहिए ये येन देख लेंगे कितना एक साल के लिए इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है अगर आप येन में लोन लेते हो तो पांच परसेंट और आठ परसेंट अगर आप डॉलर में लोन लेते हो तो नौ परसेंट और दस परसेंट ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और अब भी एक्शन रेट दिया डॉलर वन इज इक्वल टू ये वन ट्वेंटी तो मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो दो लाख इंटू एक सौ बीस तो ये ना आ गया दो तो सौ चालीस लाख अब सवाल ये है ए को क्या चाहिए डॉलर अगर डॉलर में लोन ले तो कितने परसेंट पे मिलेगा नाइन परसेंट जबकि बी इन कॉरपोरेशन को कितने परसेंट पे दस परसेंट डॉलर में लेकिन बात करो कि बी को क्या चाहिए येन अगर येन में वो लोन ले तो इसको कितने परसेंट पे आठ और इसको तो और भी सस्ता मिलेगा तो क्या एडवांटेज में है यस कौन एडवांटेज में है ए लिमिटेड ए इन कॉरपोरेशन एप्सोलूट एडवांटेज कंपेरेटिवली एप्सुलूट दोनों में एडवांटेज में डॉलर में भी एडवांटेज में है और येन में भी एडवांटेज में है ठीक है स्वैप सर फाइनेंशियल स्वैप किया होगा तो प्रॉब्लम नहीं जाएगी कंपैरेटिव एडवांटेज होता है कैप्सुलट एडवांटेज होता है दोनों आपको आइडिया होना चाहिए इन कॉरपोरेशन एट द रेट वन पर्सन ओवर रेट विज द लेटर विल हैव टू पे एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीड करेंसी स्वेप सर क्या क्या लिखा हुआ है अब अगर देखा जाए तो इसको मैं इस तरह से समझाने की कोशिश करूंगा बिल्कुल ध्यान से समझ लो करेंसी स्वैप का मतलब क्या होता है ए को क्या चाहिए ए को चाहिए डॉलर डायग्राम बना देता हूं मैं ए बी को क्या लोन लेना है डॉलर पर डॉलर ये बैंक और ये एक बैंक इसको डॉलर चाहिए पर वो यहां से क्या उधार लेगा येन और ये इसको क्या है येन पर ये क्या उधार लेगा डॉलर सीधी सी बात है भाई जो क्या बात है जो इसको लेना है अगर इसको डॉलर चाहिए वो बैंक से डॉलर ही ले लेता तो फिर काहे का, का स्वैप फिर तो बात ही खत्म हो गई इट मींस इसको चाहिए डॉलर पर ये उधार क्या लेगा येन। अच्छा तो इट मींस ये इंटरेस्ट देगा एन और इधर से क्या जाएगा ये ऐसे कुछ होगा अच्छा सर इसका मतलब ये ये उधार लेकर इसको दे देगा यस और ये जो डॉलर उधार लेकर इसको दे देगा बात खत्म हो जाएगी यस ऐसे ही कुछ होने वाला है आगे और भी कुछ लिखा है आगे लिखा एक स्वैप में एंटर हो गए आगे लिखा हुआ बी इन कॉर्पोरेशन विल पे ए इन कॉर्पोरेशन एट द रेट वन परसेंट ओवर लोन तो बी इन कॉर्पोरेशन ये बोल रहा है कि सर आप येन में जित भी हिसाब से पैसे लेते हो सपोज आप येन जो है वो पांच परसेंट के हिसाब से पैसे लेते हो य के हिसाब से पैसे लेते हो इंटरेस्ट पे तो हम आपको पांच परसेंट से एक परसेंट ज्यादा देंगे हम आपको 6 करेंगे बी इन समझा रहा है, को, कि आप हमारे लिए में उधार ले लीजिए हम आपको आप अगर पांच परसेंट के हिसाब से उधार लेते हैं तो हम आपको एक परसेंट इंटरेस्ट ज्यादा देंगे जितना भी मनता अच्छा यहां तक तो बात समझ में और फिर आप पेमेंट कर देना

ये है सेकेंड अल्टरनेटिव मेरे पास ये है जी सुनो सबसे पहले बात किसकी किया उसने एन कॉरपोरेशन जिसको लोन वैसे किसमें लेना था डॉलर में पर इस भाई साहब ने क्या लोन क्या लिया उधार येन येन ले लिया और येन लेकर इसने किसको दे दिया वाई को दे दिया वाई को तो ये आया ये न। और ये चला गया जितना आया था उतना चला गया इसके अलावा इसके अलावा सुनो सामने वाले ने भी बी इनकॉरपोरेशन ने बी इनकॉर्पोरेशन ने क्या उधार लिया होगा उसने तो डॉलर उधार लिया होगा तो मेरे पास क्या आ गया मेरे पास डॉलर आ गए बात खत्म इट मीन मुझे डॉलर चाहिए था डॉलर ही मिल गया सुनो क्या हुआ सिचुएशन है मैंने में येन उधार लिया येन दे दिया सामने वाली पार्टी ने डॉलर उधार लेकर डॉलर मुझे दे दी बात खत्म मुझे मुझे डॉलर मिल गया अब एक साल साल बाद बाद क्या होगा इंटरेस्ट देना पड़ेगा और मैं इन कॉरपोरेशन हूं मैंने बैंक से ये उधार लिया तो मुझे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा और मैंने मुझे कितने परसेंट पे उधार मिल गया होगा पांच परसेंट पे लिखा था पांच परसेंट तो मुझे इतना उधार देना है तो पर रिमवर्स भी तो करेगा बेन कॉरपोरेशन और क्या बोला था क्या बोला था उसने कि जितना आप दोगे उससे एक परसेंट हम आपको ज्यादा देंगे तो जो येन है, येन है और ये परसेंट इंटरेस्ट हमको मिल जाएगा चौदह लाख अगर हम एक्शन रेट से डिवाइड करें तो हमें कितना डॉलर इंटरेस्ट नेट सेविंग हो गया डॉलर दो लाख दो हजार डॉलर सेविंग हो गया सुनना इतना हमने येन दिया और इतना येन आया तो हमारा सेविंग हो गया दो लाख चालीस हजार क्योंकि हम डॉलर में डील कर रहे हैं तो हमें ये सब डॉलर में दिखाना पड़ेगा इन कॉर्पोरेशन को डॉलर में ही दिखाना पड़ेगा तो डॉलर टू थाउजेंड का सेविंग लेकिन एक बात बी इन ने डॉलर में उधार लिया था ना हां सर और हमको ट्रांसफर किया था उसको भी तो हमको रिम्बर्स करना पड़ेगा और कितना परसेंट डील हुआ था नाइन तो दो लाख का नाइन हमारी जिप से अठारह जाएगा तो अठारह हजार डॉलर गया पर दो हजार बच भी गया तो टोटल हमारा कॉस्ट कितना पड़ा सोलह हजार डॉलर सिक्सटीन थाउजेंड डॉलर आपको रेट कितना पड़ा आठ परसेंट ए इन को आठ परसेंट इंटरेस्ट रेट पड़ा जबकि अगर वो स्वैप नहीं करते हैं तो कितना परसेंट पड़ रहा था नाइन परसेंट पड़ रहा था चेक करो अगर स्वैप नहीं करते हैं तो देखो ये नाइन परसेंट पड़ना था नाइन परसेंट और अभी आठ परसेंट में काम हो गए ठीक इसी तरह से और किसकी बात करेंगे और अब हम चलते हैं बी इनकॉरपोरेशन की बात होगी ये लोग भाई अब बी इनकॉरपोरेशन लास्ट कैश फ्लो इसकी भी बात कर लेते हैं फाइनल बी एन कारपोरेशन क्या करेगा बी एन कॉरपोरेशन सबसे पहले डॉलर उधार लेगा लिया यस लिया डॉलर दो लाख और फिर हमको ट्रांसफर एन कॉरपोरेशन को ट्रांसफर कर दिया उसके पास क्या आ गया ये कहां से आया बी एन कॉरपोरेशन से ये ना गया, ये पास है. एक साल हुआ एक साल बाद हम लोगों को दो लाख डॉलर का दस परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा बीस हजार डॉलर क्योंकि दस परसेंट एक्चुअल में जिससे आपने बोरो किया था उधर से रिम्बर्स आया अठारह हजार डॉलर ठीक है और आपको एक्स्ट्रा लगा दो हजार डॉलर बीस हजार देना पड़ा पर इधर से तो अठारह हज़ार ही मिला तो दो हज़ार का लॉस है और एक सौ बीस के हिसाब से क्योंकि ये येन में है सारा तो येन में बताना पड़ेगा बिन कॉर्पोरेशन का तो इतना येन का लॉस हो रहा है जा रहा है और अलग से मैंने जो येन में उधार लिया था मुझे छः परसेंट इंटरेस्ट अलग देना पड़ा तो टोटल मुझे इतना येन का इंटरेस्ट पड़ा कॉस्ट पड़ा और इतना येन कितने पर इतने पे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ा है सात परसेंट अगर स्वैप नहीं करता तो कितना परसेंट? Yes. पड़ता। तो क्या दोनों ही पार्टी को फायदा हो गया yes. कितने -कितने तो मेरी सलाह है सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है अल्टरनेटिव अगर मैं डायग्राम बना के भी करूँ ना तो वैसे स्वैप हो जाएगा इटमीन्स फिगर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए पर इसमें फिगर बताया इसलिए मैंने फिगर से करवा लिया चलते अगले क्वेश्चन में ओहो ये है कॉरपोरेट वैल्यूएशन का क्वेश्चन और कॉरपोरेट वैल्यूएशन का क्वेश्चन दिया हुआ है और न्यू स्ट्रेटजी के विषय में कुछ समझाया गया है तो इसको मैं अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आराम से समझते हैं क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले ठीक है तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है कॉरपोरेट वैल्यूएशन का क्वेश्चन डाल रखा है कॉरपोरेट वैल्यूएशन के क्वेश्चन में अब देखते हैं क्या लिखा है लिखा है एबीसी कंपनी इज कंसिडरिंग न्यू सेल्स स्ट्रेटजी दैट विल बी वैलिड फॉर नेक्स्ट फोर इयर्स इसका मतलब होता है कि यार मान लो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं अभी अच्छा खासा चल रहा है ऐसा कुछ नहीं है अब हमारे मन में यह आता है कि यार कुछ एक नया स्ट्रैटेजी एडॉप्ट करें होगा क्या इट मीन्स हम अपने बिजनेस को थोड़ा सा बढ़ाएं अभी जो चल रहा है ना उससे बढ़ाते हैं हर साल अगर बढ़ाते तो सेल्स भी बढ़ेगा नो no डाउट कि आपको फिक्स एसिड्स वगैरह लगाना पड़ेगा पर सेल्स भी तो बढ़ेगा प्रॉफिट भी बढ़ेगा पर आप बढ़ाओगे 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 कभी ना कभी तो लिमिट हो जाएगी और उस लिमिट के बाद सेल्स जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा बिल्कुल बात को समझना एक ऐसी स्ट्रेटजी एडॉप्ट करना चाहते हैं जो वैलिड कितने साल तक रहेगी चार साल के लिए वैलिड रहेगी उसके बाद आपका सेल्स इंक्रीज नहीं होगा एक लिमिट के बाद और फिर इस्टेब्लिश हो जाएगा अच्छा सर

बैलेंस शीट में आपको फिक्स एसिड दिया करंट एसिड दिया और इक्विटी दिया हुआ बोला इफ इट एडॉप्ट न्यू स्ट्रेटजी सेल्स विल ग्रो स्ट्रैटी बोले सेल्स अभी कितना है जी 20 है बोले बीस बीस परसेंट से बढ़ जाएगा कितने साल तक बढ़ेगा बताया है कि यस कितने साल तक तीन साल बोले जीपी रेशियो एसे टर्न ओवर रेशियो एंड कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इनकम टैक्स विल रिमेन अनचेंज्ड टर्नओवर बढ़ेगा तो बोले एसेट्स भी बढ़ेगा एसेट टर्नओवर रेशो सेम रहेगा कांस्टेंट रहेगा ये बोला ठीक है जीपी रेशो भी कांस्टेंट रहेगा मतलब खर्चे उतने ही आएंगे आएगा जीपी रहेगा ठीक है आगे बोला डेप्रिशन जो लेना है वो टेन परसेंट लेना है किसका फिक्स एसेट का लेकिन कौन सा जो बोले बिगनिंग बिगनिंग में जो एसेट की वैल्यू ईयर के बिगनिंग में उसका आपको टेन परसेंट ले ऑफ कितना 15 से डिस्काउंटिंग करना डिटरमाइन द इंक्रीमेंटल वैल्यू इंक्रीमेंटल वैल्यू ड्यू टू एडॉपशन ऑफ द स्ट्रेटजी प्रैक्टिस का यस सेल्स अभी कितना है अभी बीस हजार तो हर साल कितने परसेंट से बढ़ना है ट्वेंटी परसेंट से बढ़ा देते हैं बीस हजार प्लस ट्वेंटी परसेंट तो ये आ गया ट्वेंटी फोर थाउजेंड प्लस 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 तो 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 ये 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 आ आ आ गया 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 और यहां उतना ही रहेगा तीन साल तक बढ़ेगा बोला चौथे साल उतना ही रहेगा अब एक बात बताओ जब सेल्स है तो क्या आपका फिक्स एसिड टर्नओवर ओवर रेशो सेम रहेगा तो अगर यहाँ देखो तो आठ हजार नहीं बीस हजार डिवाइडेड बाय आठ हजार टोटल आया टू पॉइंट फाइव तो ट्वेंटी फोर थाउजेंड डिवाइडेड बाय टू पॉइंट फाइव तो यहाँ फिक्स एसेट्स कितना जाएगा नौ हजार छः सौ सर इतना फिक्स एसेट टर्न ओवर रेशो निकालने की जरूरत है क्या जिस रेशो में सेल्स बढ़ रहा है उसी रेशो में फिक्स एसेट्स बढ़ा दे तो कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है इट मीन्स मैं सीधा काम कर लूँ आठ हजार प्लस ट्वेंटी परसेंट तो ये आ गया नौ हज़ार छः सौ प्लस ट्वेंटी परसेंट वन वन फाइव टू जीरो प्लस ट्वेंटी परसेंट वन थ्री एट टू फोर और फिर ये वन और फिक्स एसेट टर्न ओवर रेशियो नहीं बोला एसिड टर्न ओवर रेशो मतलब करंट एसेट्स भी बढ़ेगा उसी रेशियो में कितने परसेंट से ट्वेंटी परसेंट से तो ये बढ़ा दिया गया है ट्वेंटी परसेंट से और यहाँ सेम रहेगा तो ये आ गया टोटल एसेट्स और सर इक्विटी का क्या हाल है इक्विटी भी उसी रेशियो में आएगा मतलब यहां उतना जितना आपका फिक ये टोटल एसिड है और ये इक्विटी है तो ये टोटल एसिड ही आ गया ठीक है यहां तक बात समझ में आ रही है सर ये निकाला क्यों निकाला क्यों वो बाद में देखेंगे अब बताओ ये वाला स्टेटमेंट शायद हमको कहीं लगने वाला है सेल्स लिखा जीपी रेशो सेम रहेगा यस ट्वेंटी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस टेन परसेंट वो भी सेम रहेगी ठीक है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा सुनना ध्यान से, सेल्स में से ये थर्टी परसेंट हटा दो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिख रहा है सेवेंटी परसेंट आप चाहो तो सीधा टेन परसेंट ऑफ सेल्स कर सकते हो जीपी रेशो ट्वेंटी परसेंट और ये हो गया टेन परसेंट सीधी सीधी बात आप ऐसे कर सकते हो मेरी बात समझना मैं पीबीटी ना निकालकर क्या मैं सीधा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी निकाल सकता हूं यस yes. कितना परसेंट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 600 है किसका 600 है 20000 का सॉरी 1400 है 1400 तो एक बार रेशियो देखो 1400 डिवाइडेड बाय 20000 100 तो अगर मैं सेल्स की बात करूं तो सीधा कितना 7% मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से भी काम कर सकता हूं इट मींस सिर्फ सेल्स का 7% निकाल लूं 24000 इंटू सेवन परसेंट वन सिक्स एट जीरो ट्वेंटी एट एट हंड्रेड इंटू सेवन परसेंट टू जीरो इस तरह से आप सीधा सीधा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल सकते इट मीन सर हमको इसकी जरूरत है क्या नहीं इसकी जरूरत है कि नहीं सीधा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से भी स्टार्ट कर सकते हो इसके बाद खेल है एक्चुअल अच्छा सर इसके बाद क्या खेल है सर इसके बाद सुनो डेप्रिशिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है डेप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन किस पे निकालना बोले बिगनिंग एसिड की इस सर ये ईयर वन है ये कौन सा वैल्यू है बिगनिंग की क्लोजिंग क्लोजिंग वैल्यू है तो बिगनिंग वैल्यू कितनी है बिगनिंग वैल्यू आठ हजार तो निकालो आठ हजार का डेप्रिशिएशन का रेट कितना है टेन परसेंट आठ हजार का टेन परसेंट कितना आ गया एट हंड्रेड अब ये नौ सौ साठ किसका निकलेगा नौ हजार छ सौ का नौ हजार छ सौ का टेन परसेंट कितना आ जाएगा नौ सौ साठ और अब 11,520 ये बिगनिंग हो गई तो ये यहाँ 1,152 और ये वाला बिगनिंग हो गया तो 1,382 थ्री जो प्रॉब्लम जा रही है बच्चों को वो जो प्रॉब्लम जा रही है वो जा रही है ये कि भाई फिक्स एसेट में कितना पैसा लगा अब आराम से सुनना मेरी बात को दिक्कत नहीं होगी फिक्स एसेट थी कितने की सर 8000 की थी बिगनिंग में 8000 में से 800 तो डेप्रेशिएशन लग गया तो बोलो कितने रुपए का फिक्स एसेट बचना चाहिए था सर 8000 में से 8000 था बिगनिंग में 8000 में से 800 तो सौ लग गया तो फिक्स एसेट्स बचना चाहिए था 7200 की लेकिन फिक्स एसेट है कितना क्या 9600 का मतलब क्या परचेस किया होगा यस नौ हजार छ सौ माइनस सात हजार दो सौ तो कितने का एसिड परचेस किया होगा चौबीस सौ का एसिड परचेस किया होगा ठीक है ओके सर अच्छा सर अब यहाँ नौ हज़ार छ सौ का है बिल्कुल नौ हज़ार छ सौ माइनस नाइन सिक्सटी तो एट सिक्स फोर जीरो एट सिक्स फोर जीरो का फिक्स एसिड होना चाहिए पर है कितने का वन वन फाइव टू जीरो तो बताओ माइनस वन वन फाइव टू जीरो कितने का फिक्स एसिड परचेस किया होगा टू एट एट जीरो अब यहां कितना होना चाहिए ग्यारह हजार पाँच सौ बीस ग्यारह हजार सौ बीस में से वन वन फाइव टू तो हो गया डेप्रेसिएशन तो वन जीरो सिक्स एट का होना चाहिए फिक्स पर है कितने का वन थ्री माइनस वन, तो वन थ्री एट टू फोर तो बेटे थ्री फोर फाइव सिक्स का आपने फिक्स एसेट खरीदा होगा लास्ट ईयर वन थ्री एट टू फोर माइनस डेप्रिशिएशन कितना इसका वन थ्री एट टू तो वन टू फोर फोर टू का फिक्स सिट्स होना चाहिए पर है माइनस वन थ्री एट टू फोर तो बताओ यहां वन थ्री एट टू का फिक्स खरीदा होगा इट मींस यहाँ डेप्रिशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों एक दूसरे को सेट ऑफ कर रहे सर ऐसे ही हम इंक्रीज निकाल सकते कि ये तो बड़ा इजी है यहां करंट एसेट कितने का है चार हजार और यहां कितना हो गया चार हजार आठ सौ तो बोलो कितने से बड़ा आठ सौ यहां से यहां तक कितने से बड़ा नौ सौ साठ यहां से यहां तक कितने से बड़ा वन वन फाइव टू और इधर तो कुछ बड़ा ही नहीं तो अब जबकि आपने एसेट भी कंसिडर कर लिया सब कुछ कंसिडर कर लिया तो अब जो आएगा डेप्रिशिएशन क्या होगा आप अच्छे से जानते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है इट मीन डेप्रीशियशन माइनस हो चुका था तो यहां डेप्रीशियशन क्या होगा प्लस अब इसको हम प्लस माइनस कर लेते हैं वन सिक्स एट जीरो प्लस हो जाएगा 800, माइनस हो जाएगा 2400, माइनस हो जाएगा 800 तो ये आ गया 720 ट्वेंटी माइनस ए सी एट सिक्स ये और ये कितने ये कौन सी ये का फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड ग्रो हो और उसके बाद चौथे साल से हम कमाना स्टार्ट करेंगे परपेचुअल परपेचुअल मानना पड़ेगा इट मींस तीन साल तक लॉस हो रहा है सेल्स स्ट्रेटी एडॉप्ट करा तीन साल तक लॉस हो जाने दो धीरे धीरे सेल से बढ़ेगा ना पर चौथे साल से हम कमाना स्टार्ट करेंगे पर पेज ठीक अब हमको क्या निकालना हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है प्रेजेंट वैल्यू चलो निकालने की कोशिश करते पहले साल कैश फ्लो है माइनस में सात डिस्काउंटिंग पंद्रह से पॉइंट तो ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू दूसरे साल माइनस में एट ये आ गया प्रेजेंट और तीसरे साल भी माइनस में है तो ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू माइनस में पर टू फोर वन नाइन परपेचुअल है टू फोर वन नाइन परपेचुअल टू फोर वन नाइन परपेचुअल है

तो ये आ गया अगर आप न्यू स्ट्रेटेजी एडॉप्ट करते हो तो जितना भी कैश फ्लो आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू ये आ गया और सर अगर हम ओल्ड ही स्ट्रेटेजी लेते हैं तो देखो कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है सर 1400 है तो 1400, है। तो 1400 और न्यू स्ट्रेटेजी तो एडॉप्ट किया ही नहीं है तो वही हमको परपेचुअल आएगा डिवाइडेड बाय पॉइंट सर इसमें डेप्रिसिएशन ऐड होना चाहिए ना बेटे डेप्रिसिएशन होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होगा तो वो सेट ऑफ हो जाएगा ठीक है बाकी कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में सर ने समझाया होगा नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है तो ये आ गए अगर हम ओल्ड स्ट्रैटेजी रखते हैं तो इतना है वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू अगर न्यू स्ट्रैटजी एडॉप्ट करते हैं तो इतना है इट मीन्स सर ये तो लॉस हो रहा है यस इट मीन्स वैल्यू ऑफ स्ट्रैटेजी कैसी आ गई नेगेटिव में आ गई तो क्या ये फाइनेंशियल वाइबल है फाइनेंशियल वाइबल नहीं तो ये था क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन था कॉर्पोरेट वैल्यूएशन का क्वेश्चन था एंड द लास्ट क्वेश्चन हमारे चलो जी लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन क्या है बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश करेंगे देख लेते हैं क्या है? ये है बेटे क्वेश्चन ये है और ये डाला गया है मर्जर एंड एक्विजिशन का

होल्डिंग फिफ्टी परसेंट है सिक्सटी परसेंट यहाँ प्रमोटर होल्डिंग कितना है 50 परसेंट प्रोमोटर ने होल्ड कर रखा है और इस कंपनी के 60 परसेंट प्रोमोटर्स ने होल्ड कर रखा है इट मींस फ्री फ्लोट फ्लोट मार्केट कैप कितना हो गया फिफ्टी परसेंट और यहाँ कितना हो गया फोर्टी परसेंट फ्री फ्लोट मार्केट कैप वगैरह सब आपको समझता है और भी कुछ इंफॉर्मेशन है शेयर कैपिटल है दो लाख ,00 और सौ लाख अभिषेक और अभिमान की तो यहाँ शेयर कैपिटल लिखा है दो लाख ,00 और सौ लाख ,00 इसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस भी ये ना ये इन्फॉर्मेशन ना हम इस टेबल में लिख लिया करेंगे ताकि हमें क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो फ्री रिजर्व देखा 800 लाख पांच सौ लाख तो आठ सौ और 500 तो ये आ गया टोटल 1000 लाख और 600 लाख अच्छा एक बात बताओ शेयर कैपिटल कितना है 200 लाख और एक शेयर कितने का है सौ रुपए का तो नंबर ऑफ शेयर तो हमको मालूम है दो लाख डिवाइडेड बाय सौ तो नंबर ऑफ शेयर कितना है दो लाख और दस लाख अगर आप एक हजार डिवाइडेड बाय दो करो तो क्या बुक वैल्यू पर शेयर हो जाएगा या सीधे से बुक वैल्यू और दो लाख से डिवाइड करोगे तो यह गया बुक वैल्यू पर शेयर ठीक है सर अब क्या करना ये टेबल मैं हमेशा बनाऊंगा चाहे रिक्वायरमेंट हो चाहे ना हो मुझे नहीं मालूम क्वेश्चन में क्या पूछने वाला है पर जो जो हो सकता है वो, वो निकालने की कोशिश करूंगा प्रमोटर ने कितना होल्ड कर रखा फिफ्टी परसेंट और 60 परसेंट यह दिया क्वेश्चन में तो प्रोमोटर्स होल्डिंग का मार्केट कैप पता लग जाए तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप दिया है तो चेक करते हैं अगर प्रोमोटर ने 50 परसेंट तो फ्री फ्लोटी और कितना कितना दिया है चार लाख और एक लाख तो टोटल मार्केट कैप निकल सकता है चार सौ लाख जो कि फिफ्टी परसेंट तो यहां कितना जाएगा आठ लाख 400 डिवाइडेड बाय 50 परसेंट एक सौ आठ

नंबर ऑफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना जाएगा अस्सी लाख ,00, और यहां आंसर कितना जाएगा अस्सी लाख ,00. ये टेबल मेरा वर्किंग है इसकी मैंने कहा ना मुझे जरूरत पड़ेगी आगे अभी क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं अब पढ़ते हैं आगे अभी इसी क्वेश्चन को तोड़कर लिख दिया ट्रीटेंट लिमिटेड इंटरेस्टेड टू डू जस्टिस टू द शेयर होल्डर बोथ द कंपनी फॉर द स्वैप वेट आर स्वेपरेशाइन टू डिफरेंट पैरामीटर बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एस फॉलो वेट जो स्वैप रेशियो है वो बुक वैल्यू के हिसाब से निकालना है ईपीएस के हिसाब से निकालना और मार्केट प्राइस के हिसाब से निकालना और स्वैप रेशियो का फॉर्मूला क्या आता है ऊपर आ जाएगा वेंडर कंपनी टारगेट कंपनी और नीचे आ जाएगा एक्वायर मतलब परचेसिंग कंपनी दिस डिवाइडेड बाय दिस तो सबसे पहले बुक वैल्यू और बुक वैल्यू पर शेयर तो बुक वैल्यू पर शेयर कहां है बुक वैल्यू ये है सिक्सटी डिवाइडेड बाय फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाय हंड्रेड आंसर आ जाएगा करो सिक्सटी डिवाइडेड बाय फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड और कितना वेट लेना है इसको पच्चीस परसेंट पच्चीस परसेंट वेट ले लेंगे ऐसे ही बुक वैल्यू के अलावा क्या बोला है ईपीएस तो कहा है सर ईपीएस निकला है आठ डिवाइडेड बाय फोर्टी आठ डिवाइडेड बाय फोर्टी तो टू और इसका वेट कितना लेना फिफ्टी परसेंट पॉइंट वन आ गया इसी तरह से एमपीएस बेसिस पे एमपीएस कहा निकाला था ना थर्टी टू बाय बाई फोर हंड्रेड थर्टी टू डिवाइडेड बाय फोर हंड्रेड तो जीरो पॉइंट जीरो एट और इसका वेट कितना लेना पच्चीस परसेंट तो उस हिसाब से स्वैप रेशो निकल गया हमारा और स्वैप रेशो कितना आ गया पॉइंट वन फाइव तो बताइए ये पहला काम तो हो गया उससे व्हाट इज द स्वैप रेशो बेस्ड ऑन द अबोवेट्स ऑनोवेट स्वैप रेशो नंबर ऑफ शेयर्स कितने किया करना ये भी निकालना इसका मतलब एक शेयर के बदले में हम शेयर करेंगे तो सामने वाली कंपनी में शेयर्स कितने नंबर ऑफ शेयर सामने वाली कंपनी में दस लाख शेयर है तो दस लाख इंटू तो हम डेढ़ लाख शेयर इश्यू करेंगे तो पहला प्रॉब्लम नहीं थी पहला आराम से काम हो गया दूसरे नंबर को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना क्या मांग रहा है सेकंड पॉइंट व्हाट इज द बुक वैल्यू पर शेयर अर्निंग पर शेयर एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ अभिमान लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन ऑफ अभिषेक लिमिटेड एज्यूमिंग प्राइस अर्निंग ऑफ अभिमान लिमिटेड रिमेन अनचेंज्ड एंड ऑल एंड लाइब्रिटीज याद रखना ऑल द एसेज ऑफ अभिषेक लिमिटेड आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू इन द नेचर ऑफ मर्जर अब सर अकाउंटिंग मत डालो एसएफएम में बिल्कुल तो बिना अकाउंटिंग के भी कर सकते अकाउंटिंग के भी अब सुनना ध्यान से आफ्टर मर्जर उसने क्या-क्या मांगा है मर्जर के बाद मर्जर के बाद आपसे उसने मांगा है बुक वैल्यू पर शेयर ईपीएस एंड मार्केट प्राइस पर शेयर तो साहब ऐसा है कि मर्जर के बाद जो परचेसिंग कंपनी उसके शेयर्स कितने हो गए पहले से कितने शेयर्स थे 2 लाख और नए शेयर कितने इशू किए डेढ़ लाख तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए साढ़े तीन लाख अगर मैं शेयर कैपिटल की बात करूं तो मर्जर के बाद टोटल शेयर कैपिटल कितनी हो गई तीन सौ पचास लाख रिजर्व पहले से रिजर्व इसके कितने हैं आठ सौ लाख और सामने वाली कंपनी के रिजर्व है सुनना ध्यान से अच्छे से सुनना सामने वाली कंपनी के रिजर्व कितने हैं चेक करो सर सामने वाली कंपनी के रिजर्व जो है वह है पांच लाख लेकिन एक बात बताओ सामने वाली कंपनी का कैपिटल कितना है सौ लाख सौ लाख है और हम टोटल कितना दे रहे हैं हम दे रहे एक सौ पचास लाख मतलब क्या हम पचास लाख रुपए ज्यादा दे रहे हैं यस अगर पचास लाख रुपए ज्यादा दे रहे हो तो एडजस्ट किससे किया जाता है रिजर्व से किया जाता है अमलगमेशन पढ़ा हुआ है आपने रिजर्व से इट मीन्स हम रिजर्व कम कर देते हैं इट मीनस टोटल अगर रिजर्व की बात करूं तो मैं कहूंगा 800 तो ये है 500 ये है पर माइनस क्योंकि आपने 50 लाख ज्यादा दिया तो आप रिजर्व को कम कर लोगे तो 800 सौ प्लस पांच माइनस पचास टोटल रिजर्व आ जाएगा बारह लाख ठीक है तो अगर प्र यहां बात करो यहां रिजर्व कैसे आया 800 ये 1250 सीधा ले लिया तो टोटल मिलाकर बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकालोगे इन दोनों को टोटल कर लोगे डिवाइडेड बाय लाख तो बुक वैल्यू पर शेयर आ गए ठीक लेकिन सर अगर हमको ये समझ में नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट तो क्या करें बेटे फिर कुछ नहीं करना फिर मालूम है क्या करना आपको सुनो फिर क्या करना है आप एक काम करो ये सब की सब उठा लो ये सब की सब सारा शेयर कैपिटल सारा रिजर्व और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इट मींस 200 प्लस 100 प्लस 800 प्लस पांच सौ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितना 3.5 आंसर उतना ही आएगा ठीक है ओके सर मतलब ये सारा रिजर्व दोनों कंपनी का शेयर कैपिटल दोनों कंपनी का रिजर्व सबकी सब, सब उठाकर डिवाइडेड बाय थाउजेंड प्लस सिक्स हंड्रेड उतना ही आएगा सिक्सटीन हंड्रेड आएगा और डिवाइडेड बाय कितना कर देना थ्री पॉइंट फाइव कर लेना तो क्या आंसर उतना ही आएगा यस आंसर उतना ही आएगा ठीक है यहां तक हो गया ये क्या निकला बुक वैल्यू पर शेयर आफ्टर एक्विजिशन और क्या मांगा था और मांगा था ईपीएस आफ्टर एक्विजिशन तो बताओ टोटल प्रॉफिट कितना 80 लाख और 80 लाख पहले निकाल चुके टेबल में और नंबर ऑफ शेयर्स कितने साढ़े तीन लाख तो ये आ गया हमारा ईपीएस पर शेयर और क्योंकि प्राइस अर्निंग रेशियो सेम ही रहेगा पहले टेन था तो आगे भी टेन ही रहेगा तो जो निकला ईपीएस उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे टेन से परचेसिंग कंपनी का जो प्राइस अर्निंग रेशियो रहेगा ना वो मर्जर के बाद भी उतना ही रहेगा बोला है तो ये आ गया फोर फिफ्टी सेवन पॉइंट तो इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं थी ये पॉइंट आपका आराम से हो गया अब आगे और क्या मांगा पॉइंट नंबर सी प्रोमोटर्स रिवाइज होल्डिंग इन अभिमान लिमिटेड रिवाइज होल्डिंग फ्री फ्लोट मार्केट कैप और पॉइंट नंबर थ्री ये है तो पहले रिवाइज होल्डिंग निकालने की कोशिश करते हैं अब सुनो अभिमान लिमिटेड में कितने परसेंटेज प्रोमोटर्स होल्डिंग थी सर फिफ्टी परसेंट थी फिफ्टी परसेंट तो सामने वाली कंपनी कम्प, हमारी कंपनी में दो लाख शेयर्स थे ना दो लाख में फिफ्टी परसेंट किसके पास था प्रमोटर्स के पास तो एक लाख शेयर्स थे और अभिषेक लिमिटेड में कितना परसेंटेज होल्डिंग था मतलब हमने नए शेयर कितने किए डेढ़ लाख तो वन पॉइंट फाइव का 90 परसेंट वन पॉइंट फाइव का सिक्सटी परसेंट प्रोमोटर्स के पास है तो प्रोमोटर्स के पास टोटल मिलाकर नंबर ऑफ शेयर कितने वन पॉइंट नाइन तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने तीन लाख साढ़े तीन लाख में से 1.9 पॉइंट किसके पास है प्रोमोटर के पास तो परसेंटेज निकल सकता फिफ्टी फोर पॉइंट टू नाइन परसेंट तो सर फ्री फ्लोट मार्केट कैप भी निकल जाएगा बिल्कुल ये तो बड़ा आसान है इसमें जरूरत ही नहीं है बहुत सारी है, इसी, इसने जैसा किया पीएम में वैसे ही करवा देता हूं साढ़े तीन लाख शेयर्स हैं इसमें से प्रोमोटर्स के पास है वन पॉइंट नाइन तो बचा हुआ फ्री फ्लोट और मार्केट प्राइस पर शेयर कितना फोर फिफ्टी सेवन तो ये आ गया तक कोई दिक्कत नहीं तो अगर मैं कहूं वन और टू तो हो गया अब एंड लास्ट थ्री थ्री बोल है आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स ईपीएस एंड बुक वैल्यू पर शेयर इफ आफ्टर एक्विजिशन ऑफ अभिषेक लिमिटेड अभिमान लिमिटेड डिसाइडेड टू बोनस शेयर इश्यू हो रहा है दो के बदले में एक शेयर दो के बदले में एक सर जब जब भी बोनस शेयर हमने को अकाउंटिंग आता है जब जब भी बोनस शेयर इश्यू करते रिजर्व कम हो जाता है यस पहले बोनस शेयर देख लेते हैं कितने इश्यू कर रहे हैं और इसके बाद स्टॉक इस को स्प्लिट करना पांच रुपए का एक शेयर बनाना चलो देख तो लेते हैं कि क्या है। बताओ बेटे आफ्टर एक्विजिशन टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने थे साढ़े तीन सौ लाख था साढ़े तीन लाख शेयर था तीन सौ पचास लाख का कैपिटल था ओके okay? यस yes. और बोनस दो के बदले में एक फिफ्टी मतलब परसेंट बोनस शेयर इश्यू हो रहा है तो टोटल रिवाइज कैपिटल बढ़ जाएगा पांच सौ पच्चीस लाख हो जाएगा बोनस शेयर इश्यू कर रहे हैं अच्छा और पाँच सौ पच्चीस लाख फेस वैल्यू कितना है सौ अगर आप फेस वैल्यू पांच का बना दो नंबर ऑफ शेयर कितने फाइव पॉइंट टू फाइव कितने का एक शेयर था सौ का अब आप उसको पांच का एक शेयर मतलब आपके जो शेयर्स है वो कितने हो जाएंगे? 5.25 लाख शेयर्स है और अब जो एक शेयर था ना सौ का उसको पार्ट में कर दिए पांच पांच रुपए मतलब एक शेयर के बदले में बीस शेयर नए आ जाएंगे इंटू बीस कर लिया तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितनी हो जाएगी एक लाख और ईपीएस देख लेते टोटल अर्निंग आफ्टर टैक्स एक लाख दोनों का मिलाकर कंबाइंड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 105 लाख तो ये आ गया ईपीएस पर शेयर आफ्टर स्प्लिट और बुक वैल्यू पर शेयर देखना ध्यान से टोटल शेयर कैपिटल कितना है पांच लाख टोटल रिजर्व एंड सरप्लस कितना है एक हजार पचहत्तर लाख सर ये कैसे एक हजार पचहत्तर बेटे देखो दोनों कंपनी का मिलाकर रिजर्व कितना था दोनों कंपनी का मिलाकर रिजर्व ये दिख रहा दोनों कंपनी का मिलाकर रिजर्व था 1250 लाख 1250 लाख और उसमें से एक लाख के बोनस शेयर इश्यू हुए तो बताओ कितना बचा 1250 सौ पचास माइनस एक लाख का बोनस शेयर तो रिजर्व बचा 1075 जीरो सेवन फाइव लैक्स ये यहां भी किया गया ठीक है तो ये है शेयर कैपिटल ये है और ये है नंबर ऑफ शेयर्स तो बताओ बुक वैल्यू पर शेयर कितना गया 15.238 कंप्लीट थ्योरी थ्योरी आप कर लोगे, पर एक बात है सर ये बहुत सारी चीजें आपने बहुत स्पीड से पढ़ाया क्योंकि मैं मजबूर हूं पूरा तो हो नहीं सकता ना एसएफएम एफ एम आपको दो घंटे में खत्म कर दू हर एक क्वेश्चन में बहुत सारा बहुत जनरली पढ़ाया कैसे पढ़ा कैसे जाता पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लीजिए उसके बाद क्वेश्चन करो तो मुझे कुछ समझाना ही नहीं पड़ेगा क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे पर अभी मुझे आरटीपी करवाना था अच्छा एक बात अच्छे से है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने मुझे मालूम था बहुत टाइम लगेगा बी एस एम वगैरह बहुत टाइम लगेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डले हुए हैं यूट्यूब चैनल में तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर देता हूं क्वेश्चन के साथ कि यार ये क्वेश्चन देखना है आपको तो आप प्लीज़ ये वीडियो देखिए तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फाइव है सिक्स है सेवन है तो उसका जो भी कॉन्सेप्ट है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ ताकि आप आराम से समझ समझते कि क्या होता है कोशिश है अब बात आती है कुछ नए क्वेश्चंस नहीं थे इसलिए मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत थी ही नहीं अब बात आती ओल्ड सिलेबस का आरटीपी तो वो अगले वीडियो में मैं ओल्ड सिलेबस का आरटीपी कवर करवाऊँगा थैंक यू